परम पूज्य और गुरुदेव जी, अर्चनी वन्नी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सभी के समक्ष मेरे लिए निर्देश हुआ है, थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। हर मनुष्य के मन में एक सोच है कि हम जीवन को सुंदर बनाएं, व्यवस्थित जीवन जिए और अपना निर्माण करें। आदमी मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरु के पास जाता है, तीर्थ यात्रा करता है, सबका अंतिम निचोड़ कि हम अपने महत्व को समझे, अपने जीवन को तराशे। हम अपने जीवन को तराश नहीं पाते हैं, इसलिए हमको अपना महत्व समझ में नहीं आता है, और हमको अपना महत्व समझ नहीं आता इसलिए भी हम अपने जीवन को नहीं तराश पाते हैं। इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना बेशकीमती जीवन मिला है, उसको हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। हमको अपने जीवन का महत्व समझना चाहिए और सभी को अपने जीवन को महत्व समझना चाहिए। एक घटना बताऊं तो आपको आपके जीवन के महत्व आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन का महत्व कितना है, आपका महत्व कितना है, आपको समझ में आ जाएगा। एक आदमी घर से निकलता है और घर से निकलते निकलते एक मंदिर दिखा, मंदिर को प्रवेश किया, वहाँ एक संत रहते थे। संत को पूछते हैं, संत भगवान मेरे जीवन का महत्व क्या होगा? संत कहते हैं, तुम प्रश्न कर रहे हो उस बात को छोड़ दो, मेरा एक काम करो, फिर तुमको जीवन का महत्व समझ में आ जाएगा। वो करता क्या है, जहाँ बैठा था वहाँ से एक बक्सा है, बक्सा में से एक वजनदार पत्थर निकाल करके देता है और कहता है कि बस इसको रेट पूछ करके आना, इसको कहीं बेचना नहीं है तुमको, इसका रेट बस पूछ करके आना। वो आदमी आगे निकलता है, जैसे निकलता है घर मंदिर से निकलता है, वैसे उनको कबाड़ लेने वाले मिल जाते हैं। ये कहानी नहीं है, ये जीवन की हकीकत है। ये आप इस कहानी को सुन करके कहानी मत समझ लेना, ये हमारे साथ रोज हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने कीमत को कितना में आंकते हैं और अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं। इतना बेशकीमती सोने जे हीरे जैसे जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। आपको लगेगा सच में मैंने जीवन के बेशकीमती लम्हों को यूं ही बर्बाद कर दिया है। वो आदमी निकलता है, वो कबाड़ लेने वाले मिलता है, उनको पूछता है, भाई साहब इस पत्थर का आप क्या रेट लगाएंगे? वो कहते हैं, भाई साहब तुम्हारे पत्थर चमकीले और अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पत्थर को आज इस पत्थर को मैं लोहे के भाव पर खरीद सकता हूँ। वो आदमी 20 रुपये किलो में खरीदने को तैयार होता है। वो आदमी और आगे चलता है, आगे चलता है, वहाँ एक सब्जी बेचने वाला मिल जाता है, उनसे पूछता है, भाई साहब आप इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? वो कहते हैं, वही बात सब जगह दोहराई जाती है, और वो कहते हैं, तुम्हारे पत्थर को मैं 40 रुपये में खरीद सकता हूँ। वो आदमी और आगे चलता है, आगे चलता है, एक एल्युमिनियम के दुकान में जाता है, वहाँ वही पत्थर है। एल्युमिनियम लेने वाले कहते हैं, तुम्हारे पत्थर को मैं 400 रुपये किलो तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी और आगे बढ़ता है, एक पीतल के दुकान में जाता है, पीतल के दुकानदार कहता है, तुम्हारे पत्थर को मैं 800 रुपये किलो तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी को संतोष नहीं होता है। वो आदमी एक सोने चांदी के दुकान में जाता है, वहाँ 800 रुपये से 80,000 रुपये तक खरीदने के लिए दुकानदार तैयार हो जाता है। पत्थर वही है, जगह बदलते गए, रेट बदलता जा रहा है। देखिए कहाँ तक पहुँचता है, उसका रेट लगाते जाइए आप लोग। वो आदमी को संतोष नहीं होता, एक सोने के दुकान में जाता है, वहाँ उसका मुँह मंगा दाम मिलता है, 4 लाख रुपये तक मिलता है। वो आदमी को फिर भी संतोष नहीं होता। वो आदमी एक हीरे के दुकान में जाता है, कहते हैं, तुम्हारे हीरे को मैं 4 करोड़ तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी को पर भी संतोष नहीं होता है। एक बड़ा सा दुकान जहाँ फिक्स रेट
कभी किसी से ठग किया नहीं जाता है। उस दुकान में जाता है, वो दुकानदार कहते हैं भाई साहब तुम्हारे पत्थर को कोई नहीं खरीद सकता है इस जगह पर, क्योंकि तुम्हारा पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, तुम्हारे पत्थर एक बेस कीमती हीरा है, तुम अपने इलाकों को बेच दो पर भी इस पत्थर का रेट अदा नहीं कर सकते, एक बेस कीमती हीरा है हीरा। वो व्यक्ति आता है मंदिर में और संत से पूरा घटना बताता है। फिर संत कहते हैं तुम अपना जीवन का रेट जानना चाहते थे ना, जीवन का कीमत जानना चाहते थे ना, अब तुम्हारे जीवन का कीमत कितना होगा जान सकते हो? यदि तुम शराबी के साथ जाते हो तो तुम शराबी कहलाते हो, जुआड़ी के साथ जाते हो तो जुआड़ी कहलाते हो, लड़ाई और झगड़े करने वाले के साथ जाते हो तो लड़ाई और झगड़े करने वाले कहलाते हो, कोई मास्टर के साथ गए तो मास्टर, जज के साथ गए तो जज, एक अच्छे आदमी के साथ गए तो अच्छे आदमी बन गए, और नेता के साथ में गए तो नेता बन गए, और कहीं संग करते करते संतों के संग में चले गए तो बहुत अच्छा आदमी बन गए, और जीवन को बदलते बदलते संग के साथ साथ अपने जीवन को भी बदलते गए, तो आज गुरुजन के जो सीरियल में आते हैं ना, जिसे बुद्ध, महावीर, कबीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण कहते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। एक दिन वो सब भी साधारण थे, महान हो गए। आप अपने जीवन को कितना में आंकते हैं? अपने जीवन को कितने में आंकते हैं? लड़ करके, झगड़ करके जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं? आपस में देवान और जेठान लड़ते हैं, भाई और भाई लड़ते हैं, सास और बहू लड़ते हैं, लड़ करके बच्चों को अच्छा संस्कार दे पाएंगे? कभी नहीं हो सकता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक चीज़ कहता हूँ कि हर माँ बाप की एक शिकायत होती है कि बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, आपने वो पाठ ही नहीं सिखलाया। सीधी सी बात है, आपने बच्चे को पैसा कमाना सिखाया, आपके बच्चे पैसा कमाए, मकान बनाया सिखाया, मकान बनाए, गाड़ी चलाना सिखाया, गाड़ी चलाए, खेती करना सिखाया, खेती किए, जितना आपने सिखाया वो सीखे, नौकरी कराना चाहा आप नौकरी सीखे वो कैसे करना है, क्या आपने ये भी सिखलाया है कि जीवन को कैसे जिया जाता है? क्या कभी ये भी सिखलाया है आपने कि जीवन को कैसे रिफाइंड किया जाता है, जीवन को कैसे तराशा जाता है? कभी ये भी सिखलाया है? कभी आश्रम में, संतों के आश्रम में ले जाकर के झुकना सिखाया, सेवा और श्रद्धा और साधना सिखलाया? कभी ले जाकर के अपना ही खुद का निर्माण कैसे करना है आपने कभी सिखलाया है? आपने कभी सिखलाया ही नहीं, कैसे आपके बच्चे आपका कहा मान जाएंगे? मात्र आप कुछ कागज के टुकड़े दे देंगे, इतने से बच्चे आपका कहा मान जाएंगे? संभव नहीं है। इसलिए आज हो रहा है, आप अपने जीवन की पूरी संपत्ति पूरे दांव पे लगा देते हैं अपने बच्चे के नाम के, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति पर भी बच्चे आपके कहा नहीं मानते, क्योंकि आपने वो पाठ ही नहीं सिखलाया उनको, क्योंकि आपने वो पाठ ही नहीं सिखलाया कि सम्मान कैसे किया जाता है माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का, जीवन को कैसे तराशा जाता है। जब हीरा होता है तो हीरा कंकड़ की तरह दिखता है, वही हीरे को तराश दिया जाता है, उस हीरे का कीमत 5 गुना 7 गुना बढ़ जाता है। 2 लाख रुपए की हीरा है तो 10 लाख रुपए का हो जाता है। एक अभी पानी खोलते हैं आप लोग ना, पानी जितना है उड़ेल लो, फ्री में पानी है, कोई रेट नहीं है। वही पानी को तराश दिया जाता है, रिफाइंड कर दिया जाता है, एक बड़े से बोतल में भर देते हैं तो 30 रुपये में 20 लीटर मिलता है, उसका अच्छा से लेबल लगा दिया जाता है। वही लीटर, वही पानी है, 1 लीटर 20 रुपये में मिलता है, और उसका जगह कहीं बदल दिया जाता है, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट चले गए, पानी वही है, 50 रुपये लीटर में मिलता है। आपने कितना बदला है आपके जीवन को? अपने जीवन को बदलने के लिए कहाँ गए? अपने जीवन को तराशने के लिए किन संतों का सानिध्य किया? आपने परिवार में जिन संत गुरुजनों को मानते हैं, कब संतों और गुरुजनों को अपने परिवार में बुलाए हैं? कभी मत्था टेकना सिखाए हैं? आपस में लड़ करके झगड़ करके जीवन को तो ऐसे बर्बाद कर दिए। कितना बेशकीमती जीवन है और हम लड़ करके झगड़ करके जीवन को कितना नरक में बर्बाद कर देते हैं। नहीं खलता है अपने जिंदगी के लिए? इतना सुंदर सा शरीर मिला है, इतना सुंदर सा मन मिला है, इतना सुंदर सा परिवार मिला है, इतना सुंदर सा समाज मिला है, और एक ऐसा पारक ज्ञान, कबीर का ज्ञान, जहाँ भ्रांति और कर्मकांड और पाखंड नहीं, जहाँ जीवन के निर्माण की बातें होती है, वहाँ भी हम उलझ करके अपने जिंदगी को कितना उलझा लिए हैं हमने? नहीं लगता है? जीवन में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब पी करके अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर? एक चीज याद आती है, शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, नशा करने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते हैं, याद रखेंगे। कोई लोग शराब पीते होंगे, बैठे होंगे, और जिनके पति शराब पीते हो, शराब बस नहीं पीते हैं, क्या पीते हैं पता है?
आपके बच्चे के भविष्य को भी पी जाते हैं वो, आपके परिवार के लोगों की तमन्नाएं को चूर कर करके मिट्टी पलीद कर देते हैं। कैसे मिट्टी पलीद कर देते हैं? जब जब आप शराब पी करके इस घर में प्रवेश करते हैं, तब तब बच्चे की जो उड़ान भरने की इच्छा थी ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो बच्चे आपको शराब पिए देखते हैं, आपको आपस में पति और पत्नी में लड़ते देखते हैं, सास और बहू में लड़ते देखते हैं, उनके सारे नक्शे चूर करके मिट्टी पलीद हो जाता है। ऐसे लड़ने वालों के बीच में मैं कैसे जिंदगी को तराशूंगा, ऐसे लड़ने वालों के बीच में कैसे जीवन का निर्माण करूंगा, खुद को उनको लगता है। इसलिए आप लोग जीवन को तराशे, और जीवन तरसता मैं सबसे कहा करता हूं, आप जिन सदगुरु जन से जुड़े हैं, जिन संत से, जिन परंपरा से, जिससे भी जुड़े हैं, कम से कम साल में एक बार दो बार अपने घर में संतों को, गुरुजनों को बुलाइए और कुछ करिए। ज्यादा नहीं, 20 लोग 50 लोग जितने लोग, कुछ तो करिए। कुछ नहीं करेंगे तो आपके बच्चों पाठ ही नहीं सीख लेंगे, फिर आपके पास अधिकार नहीं है कहने का कि बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। ये गलती आपकी है, ये आपकी गलती है, और ये गलती आप मत दोहराइए। आज ही माँ बाप का सम्मान करना सीख लीजिए, जितना ही प्यार से इस मिट्टी की, पत्थर की, कागज के, फूल की पूजा करते हैं, वही सम्मान और प्रेम से माता पिता की पूजा कर। यदि बुढ़ापे में सुखद यात्रा चाहते हैं तो, बुढ़ापे में प्रेम चाहते हैं तो, कम से कम माता पिता को कम से कम पर्व में या महीना में एक बार दो बार फूल चढ़ा करके बंदगी कर लो, कभी आरती उतार लो, वो बुढ़ापे में आओ उनको जीने का संबल मिल जाता है। जब माँ बाप बच्चे उनके ही सामने आते हैं तो उनको जीने का संबल मिल जाता है, और वो प्रेम और प्रसन्नता से भर जाता है, उनकी उम्र बढ़ जाती है आपके प्यार से, आपके सम्मान से। इसलिए माँ बाप को कभी बहिष्कृत मत करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, खुद को जीवन को तराशना है और खुद को चमकाना है। संत गुरुजनों के ही सानिध्य में खुद को तराश सकते हैं, खुद को चमका सकते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जब जय बुलाएं तो थोड़ा जोर से जय बोल दिया करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। एक आश्रम था, एक भाई रात दिन आते जाते थे। एक दिन गुरुदेव जी को पूछा, गुरुदेव अर्चनी वंदनी मुदमंगलमय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन बीच में नहीं रहे और उनकी स्मृति में यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित चल रहा है, और यह सब हम सबके लिए एक अवसर है अपने को तराशने का, जानने का, अपने को बनाने का। सद्गुरु कबीर साहेब जी की एक बहुत ही सुंदर साखी, बहुत ही सरल साखी, शकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चली आओ। देखिए जितने भी सत्संग होते हैं, जहां भी होते हैं, जिस धर्म संप्रदाय के होते हैं, जितने भी साहित्य हैं, जितने भी टीवी में प्रसारित कार्यक्रम हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ये किसी मनुष्य के अलावा किसी पशु पक्षियों के लिए नहीं है, किसी जानवर के लिए नहीं है, है क्या? नहीं है, केवल और केवल मनुष्य के लिए है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, वे अपने धर्म में रहते हैं और धर्म में जीते हैं। मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी है जो अपने धर्म और कर्तव्य को छोड़कर के जीवन जीता है, और इसीलिए आप और हमारे जीवन में दुख आते हैं, और उसी दुख को देख करके संत द्रवित होते हैं, और द्रवित होकर के अपनी समाधि से, अपने ध्यान से, अपने अपनी साधना से आपके बीच में आकर के सत्संग का आयोजन करते हैं, ज्ञान प्रसारित करते हैं, केवल एक चीज के लिए कि हमारा जीवन सुंदर हो जाए, बेहतर हो जाए। सद्गुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा, सकलो दुर्मति दूर करूं। जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी परेशानियां हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, संताप हैं, उस सब का एक ही कारण है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय ही क्यों ना हो,
उन परेशानियों का भी कारण एक ही है और वह कारण है बुद्धि की कमी, समझ की कमी या अच्छी बुद्धि का न होना। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि को सही कर लो, तुम अपनी दुर्बुद्धि को त्याग दो। ये दुर्बुद्धि ही है जो आपसे शराब पिलवाती है, ये दुर्बुद्धि है जो आपको जन्म देने वाली माँ और बाप से भी लड़वाते हैं और मरवा डालते हैं, ये दुर्बुद्धि है जो आपसे कुकर्म करवाते हैं और आपको दुख में भी डालते हैं। इसलिए एक कला के बीच रे बिकल होते सब ठाव। एक कला वो क्या है? जीने की कला। और जीने की असली कला तब आएगी जब हमारी समझ सही होगी, हमारी बुद्धि सही होगी। जिसकी और सही बुद्धि का मतलब क्या होता है? सही बुद्धि का मतलब होता है जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। इसका मतलब ये नहीं कहता कि दुश्मन के साथ दुश्मन जैसे व्यवहार। मैं धर्म बता रहा हूँ, माँ माँ है तो माँ को माँ के रूप में देख करके अगर व्यवहार कर रहे हैं तो आप कभी भी माँ के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। पिता के रूप, पिता को आप पिता के रूप में अगर देख लेते हैं, उनके अंदर उस गुण को देख लेते हैं, तो आप पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। भाई के अंदर में भाई को देख लेते हैं, पत्नी के अंदर में पत्नी को देख लेते हैं, स्वजनों में अपने स्वजन को देख लेते हैं। और इस प्रकार से जो उसके धर्म को अगर आप याद रख लेते हैं तो आप दुर्व्यवहार भी नहीं करते हैं। आप बीड़ी का धर्म जान लेंगे तो बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट का धर्म जान लेंगे तो सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब का धर्म जान लेंगे तो शराब नहीं पिएंगे। जैसे आप सांप का धर्म जानते हैं तो सांप के पास आप जाते नहीं हैं। आग के स्वभाव को जानते हैं इसलिए आग को अनायास ही नहीं छू लेते, क्योंकि उसकी आप धर्म को जानते हैं। अगर धर्म आप पहचान लेंगे एक बार तो आप गलती कभी जीवन में कर नहीं सकते। और ये धर्म की शिक्षा, समझ की शिक्षा, बुद्धि को परिष्कृत करने की शिक्षा ही इस संत गुरुजन सत्संग के माध्यम से देते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा सकलो दुर्मति दूर करूं, तो पूछने वाले भक्तों ने कहा कि बुद्धि से ही क्या हो जाएगी अगर अच्छा बना लेंगे, तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जीवन अच्छा बन जाएगा। बुद्धि की अच्छी होने से ही, शिक्षा के बढ़ जाने से आपके जीवन में समृद्धि नहीं आएगी। शिक्षा के बढ़ जाने से आपके जीवन में बहुत सारी जानकारी आ जाएंगी और उन जानकारियों के माध्यम से आप बहुत ऊंचे ऊंचे पद को प्राप्त करके धनी भी हो जाएंगे। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छी शिक्षा आने के बाद भी आपके अंदर में अच्छे संस्कार और अच्छी समझ की भी जागृति होगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुद्धि परिष्कृत होनी चाहिए। बुद्धि तो है, लादेन के पास भी बुद्धि थी, कोई कम थी? और रावण बोलते उसके पास भी बुद्धि थी, कंस के पास भी बुद्धि थी, दुर्योधन के पास बुद्धि थी। अरे ये सब तो मारगोली, आज जो बड़े बड़े अतताई राक्षस है, जो आतंकवादी हैं, इसके पास कम बुद्धि है? वो हमारे एंटीलेज, जो हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं, यहाँ के जो वीरों हैं, उससे भी कहीं ज्यादा तकनीकी है उसके पास, तो बुद्धि है तभी तो बुद्धि के तो कमी नहीं है, लेकिन बुद्धि सही नहीं है, बुद्धि परिष्कृत नहीं है और इसीलिए मानव जीवन में दुखी है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, तो सुंदर उदाहरण देकर के उस बात को प्रस्तुत किया। तो क्या करना है? दो काम करना है, काग के स्वभाव को छोड़ना है और दूसरा हंस के स्वभाव को अपनाना है। देखिए सद्गुरु कबीर साहब यहाँ पर दो पक्षियों का उदाहरण देते हैं और आज हम सबको ये सोचना चाहिए कि मनुष्य को सुधारने के लिए, मनुष्य को बनाने के लिए एक जानवर का उदाहरण देना पड़ रहा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि सौभाग्य के लिए? ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जीवन को परिष्कृत करने के लिए, हमारे जीवन के सुंदर निर्माण करने के लिए आज एक पशु पक्षी का भी उदाहरण देना पड़ रहा है कि हमें किसके जैसे
बनने की जरूरत है। आप अपने घर में क्या बोलते हैं? आप अपने बच्चे को गांधी बनने की प्रेरणा देते हैं, राम बनने की प्रेरणा देते हैं, कृष्ण बनने की प्रेरणा देते हैं, कबीर, स्वामी विवेकानंद और जितने महापुरुष हैं आप उसको आदर्श रखते हैं। और सदगुरु कबीर साहब की सोच देखिए, उनको मनुष्य नहीं देखा, जिसकी उसने उदाहरण दिया तो उन्होंने कहा हंस बनो, हंस की प्रेरणा दिया उसको। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा काग गवन गति छाड़ के, बस तीन दो तीन मिनट की बात है, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ, कौवे की चाल। तो कौवे की यहाँ पर हम बुराई करने नहीं बैठे हैं, वो अपने स्वभाव में, मैंने पहले कहा जितने भी प्राणी हैं बल्कि वो अपने धर्म को छोड़ता नहीं है, अपने स्वभाव में सारे प्राणी जीते हैं, मनुष्य ही अपने धर्म और स्वभाव को छोड़ देते हैं, जिसके कारण हम किसी भी जगह हो किसी भी वेश में हो आकर के लड़ते ही हैं। इसलिए क्या करना है, कौवे के स्वभाव को छोड़ना है। कौवा काव काव करता है, गंदगी में चोंच मारता है और वो कुटिल स्वभाव रखता है, ये तीन दोष हमारे संतों ने बताया। संत जो कौवा होता है ना बड़ा चलाक होता है। एक बार की बात है, एक कौवा का बेटा और कौवा दोनों एक पेड़ पे बैठा हुआ था। तब कौवा का जो पिता है वो अपने छोटे बच्चे को समझा रहा था कि बेटा देखो, जब कोई आदमी नीचे जमीन की ओर झुके तो तुम समझ जाना कि वो तुमको मारने के लिए वो मिट्टी का पत्थर उठा रहा है, किसी ढेला को उठा रहा है, इसलिए तुम पहले से सावधान हो जाना। तो कौवा का बेटा ने कहा, मैंने कहा ना कौवा का बेटा कौवा से भी ज्यादा चलाक होता है, उसने कहा कि पिताजी आप तो कहते कि कोई आदमी जमीन की ओर झुके तो समझ जाना तुम्हें मारने के लिए वो पत्थर उठा रहा है, लेकिन अगर वह आदमी अपने जेब में अगर पत्थर लेकर चले तो फिर क्या करे, ये चलाकी है। तो कौवे जैसे चलाकी नहीं होनी चाहिए। आज आदमी बुद्धिमान तो हो गया है लेकिन बुद्धिमानी के साथ साथ चलाकी, वो जो कहते हैं ना जो भी कुछ करता, जैसे यहाँ सत्संग में आने की बात हो तो क्या बोलेंगे, एक चलाकी आती है, क्या करे साहब जाने को मन हो लेकिन जैसे निकलने वाला था संधि जी आ गए थे, ये चलाकी है, इसी को बोलते चलाकी। इसी को हम सिंपल शब्द में कहें तो बहाना, हम बहाना बाज हो गए हैं और यही हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। तो मैं कह रहा था कौवे की ये तीन दोष हम त्याग करें। कौवे में चंचलता होती है, कौवा गलत जगह बैठता है, गलत चीज खाता है और काँव काँव करता है, और हंस के तीन रहनी, हंस मानस सरोवर में रहता है, मोती चुगता है और वो श्वेत होता है, सफेद। इस प्रकार से हम मानसरोवर में, मानसरोवर क्या है तो स्वच्छ जगह में रहना, स्वच्छ भोजन करना ही मानसरोवर है। और ऐसे संत जनों का सानिध्य पाकर के भी अगर हम नहीं सुधरते हैं तो हम कौवे के कौवे हैं, हमें बनने की जरूरत है हंस। इसीलिए हमारे कबीर पंथ में संतों को हंस की पदवी देते हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे शाखा हैं कबीर पंथ में जहाँ जय बुलाते हैं तो सकल हंस को साहे बंदगी बोले सतगुरु देव की जय। आदमी और पशु में अंतर है, पशु स्वभाववश जीता है, आदमी विचारवश जीता है। यहां पर सकलो दुर्मति दूर करूं मतलब विचारों को शुद्ध करने की बात है, जितने भी गलत विचार है उसको त्याग दो। बुद्धि तो है आपके पास, बुद्धि की कमी नहीं है, किंतु विचार जो सकारात्मक होना चाहिए वो नकारात्मक है, गलत दिशा में है, और वो जब शुद्ध हो जाएगा तो जीवन शुद्ध हो जाएगा। इस पर हम श्री कोमल साहब जी के विचार सुने, शायद आपका नाम बदल चुका है, सुधीर साहब, सुधीर साहब के नाम से आपको जानते हैं, किंतु पुराना नाम कई बार चलते चलते चलता रह जाता है। अब हमारे बीच में विराजमान है, राजस्थान फलोदी से आए हुए हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, संत हैं, वहाँ के बहुत बड़े आश्रम के संचालक हैं। श्री ईश्वर साहब जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी 10 मिनट में अपनी बातें रखेंगे। श्री ईश्वर साहब जी इधर आएंगे।
उठा लेते। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। परम वंदनीय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का यह दूसरा दिन है। मुझे भी कुछ कहने की आज्ञा हुई है। सद्गुरु कबीर साहब जी एक वैज्ञानिक संत थे, जिन्होंने धर्म, अध्यात्म और समाज की बहुत सारी बातें कही है। यूँ तो हमारा देश धर्म प्रधान देश कहलाता है, जहाँ पर आज भी 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है, और फिर भी हमारा देश गरीबी में जीता है। क्या कारण है कि हमारा अध्यात्म प्रधान यह देश गरीबी में जीता है? आज भी इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। तथा कथित पंडितों से पूछो कि इस देश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी क्यों है, तो वह कहता है कि इस देश के युवा और युवती, ये पूरी पीढ़ी बिगड़ चुकी है। ना तो ये वेद को मानता है, ना तो ये किसी प्रकार के देवी देवताओं को मानता है। मैं कहता हूँ जापान जो धनाढ्य देश है, जहाँ ना कभी लक्ष्मी की पूजा होती है, ना कभी कुबेर की पूजा होती है, उस देश के लोगों को जाकर के पूछो यहाँ के लोग धनाढ्य क्यों हैं। कोई गए हैं उस आदमी से पूछो कि वहाँ के लोग संपन्न क्यों हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे देश में कर्म को पूजा मान करके कर्म करते हैं। हमारे देश में धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा हुआ, और उस पश्चात देश में ज्ञान के नाम पर विज्ञान पैदा हुआ। हमारे देश में आए दिन आदमी सोचता है पूज लेंगे लक्ष्मी की पूजा, कर लेंगे कुबेर की पूजा, हमारे पास धन आ जाएगा। अंधविश्वास में आज भी हम जी रहे हैं। 33 कोटि देवताओं की पूजा करने वाला यह देश आज भी गरीबी में जी रहा है, और अंधपूर्ण विचारों को, विकार युक्त विचारों को आज भी हम स्वीकार कर रहे हैं। आज भी ये मानते हैं कि यज्ञ करने पर वर्षा होती है, और मैं कहता हूँ यज्ञ के इन पुजारियों को राजस्थान के मड़वाड़ क्षेत्र जहाँ पर पानी के लिए तरसता है, गुजरात के काठियावाड़ जहाँ पर सागर के किनारे बसते हुए मीठे पानी के लिए वो देश, उस क्षेत्र तरसता है, वहाँ पर जाकर के यज्ञ करे और बारिश हो जाए तो ये मान लिया जाएगा बारिश करने से वर्षा होती है। लेकिन हम पुरातन पंथी बने आज भी बैठे हुए हैं। आज भी हम तथाकथित ग्रंथों के उदाहरण देने के लिए बैठे देते चले जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। मैं कहता हूं जिस देश में कर्म की पूजा हुई वो देश आगे बढ़ा है। इस देश में वर्ण व्यवस्था के नाम पर आदमी आदमी की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि पशु से बत्तर की भांति आदमी से हमने व्यवहार किया। आज भी हम ग्रंथों का उदाहरण देकर के ये कहना चाहते हैं कि आज भी इस देश में कुछ वर्ण व्यवस्था के पक्षधर लोग मानते हैं कि आज भी हम ऊंचे हैं। मैं कहता हूं ये देश का विकास भी कैसा होगा, जहां पर उत्पादक छोटा माना जाए और उत्पादक उपभोग करने वाला आदमी अपने को बड़ा माना, जहां पर उत्पादक छोटा हो जाए और उपभोग करने वाला आदमी अपने को बड़ा मान ले, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। जिस देश में श्रम को पूजा माना, जिसको सद्गुरु कबीर ने कहा जो कुछ करूं सो पूजा, और पूजा का कर्म को पूजा करने वाला, वो देश सदा आगे बढ़ा है। लेकिन हम अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। आज भी सोचते हैं पूज लेंगे किसी समाधि की पूजा और पालेंगे धन, पालेंगे पुत्र। कहा जाता है एक बार एक कपड़े का व्यापारी गांव से शहर में जाकर कपड़ा बेचा करता था।
लौटता था मंदिर में विश्राम करता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा ये व्यापारी कपड़ा बेचता है, सिर पर कपड़े का मोटरी बांध करके शहर में बेचता है। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास एक गधा है, वो गधा को ले जाओ, उसके ऊपर कपड़ा रख लेना, गांव में ले जा करके बेचते रहना, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। वो व्यापारी ने गधा लिया, कपड़ा गधे पर लाद करके रोज बेचता। जब दो चार वर्ष हो गए गधा एक दिन मर गया। गधा मर गया, पैसा उस गधा के माध्यम से बहुत कमाया था व्यापारी। उन्होंने सोचा यूं ही क्यों, इसकी मृत्यु के साथ इनकी इतिहास भी कुछ याद किया जाए। ये सोच करके उनकी एक समाधि बना दी और समाधि बना करके वहीं पर फूल माला चढ़ा दिया और टंकोरी जिसको आप घंटी कहते हैं वो घंटी बजाने लगा। उधर से एक साहूकार एक आदमी निकला कि कोई जरूर कोई महान आत्माओं की समाधि होगी। उन्होंने देखा कुछ फूल चढ़ा हुआ है, कुछ पानी और कुछ हार डाला हुआ है, कुछ रंग गुलाल छींचा हुआ है। उन्होंने सोचा यूँ तो धन का मारा था, अभाव था, उनके पास संपत्ति नहीं थी। उन्होंने सोचा ये कोई महान आत्मा की समाधि है, जाकर के उनको प्रणाम किया और कहने लगा हे इस महान आत्मा की समाधि से मैं प्रणाम करता हूँ, अगर मेरी मांग पूरी हो जाए तो मैं लोगों को भंडारा कराऊंगा। और बाई मिस्टेक उनकी मांग पूरी हो गई, यूं तो होना नहीं था लेकिन हो गई। जब उनकी मांग पूरी हो गई तो गांव के लोगों में जाकर हल्ला कर दिया जी तुम लोग यहाँ कहाँ अंधविश्वास पड़े हुए हो, चल करके उस महान समाधि की पूजा करो, मांग पूरी हो जाएगी। गांव के सारे लोग आकर के उस समाधि की पूजा करने लगे, कुछ मंगत मांगने लगे, भंडारा होने लगा। तो पहले जो मंदिर का पुजारी था उन्होंने सोचा यार कहाँ से नई समाधि आ गई और मेरे पास तो पुजारियों की कमी पड़ गई, लोग जो पूजा करते थे अधिकतर उनके पास जाने लगे। तो उस पुजारी ने भी सोचा चल करके देखूं, तो जा करके देखता है तो बहुत से पैसे चढ़े हुए, फूल माला चढ़े हुए हैं। और जो व्यापारी जिसको वो घोड़ा गधा दान किया हुआ था, वो गधा दान कर लेने वाला व्यापारी जो था घंटी बजा करके वहाँ पर पूजा कर रहा है, उस व्यापारी को उस पंडित ने पहचान लिया। पंडित ने उसको पूछे से बुलाया ये व्यापारी जी इधर आओ, बात क्या है, ये समाधि नई लगती है और तुम पूजा कर रहे हो, वही व्यापारी हो ना जिसे मैंने गधा दिया था, अच्छा ये बता ये समाधि किनकी है। उस व्यापारी ने कहा गुरुजी आपसे क्या छुपाऊं, वर्षों पहले तुमने मुझे जो गधा दिया था ना वही गधा की ये समाधि है, किसी को बताना मत। उस व्यापारी ने कहा अच्छा गुरुजी आप बताइए जिस समाधि की पूजा करते हैं वो किनकी समाधि है। पंडित जी ने कहा किसी को बताना मत, ये गधा जिसे दान में मैंने किया था उनकी मम्मी की समाधि है वो भी, हम केवल महापुरुषों के नाम पर महान आत्माओं के नाम पर गधों की पूजा कर रहे हैं और ऐसे ही अंधविश्वास बढ़ते चले जाते हैं। कुछ तो विचार करो, हमारा ये देश कहा गया तथाकथित लोगों ने कहा अगर धर्म के नाम पर तुम विचार करोगे तो नरक में डाले जाओगे। हम विचार के प्रवाह में बहे नहीं, हमारे अंदर विचारों की कमी हो गई। धर्म और अध्यात्म और ईश्वर के नाम पर अगर विचार करोगे तो नरक में डाल दिए जाओगे, ऐसे ऐसे विचार फैलाए गए, हमने विचार करना छोड़ दिया। यही कारण है कि इस देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा हुआ और पश्चात्य देश जिसके हम अंध अनुकरण किए जा रहे हैं उस देश में भी कुछ प्रामाणिकता है। वहाँ के दोस्त लोग ईमानदारी से जीते हैं, भले पीते हैं शराब लेकिन सच बोलते हैं। आज हम पीते हैं गंगा जल फिर भी झूठ बोलने में आज भी हम बांझ नहीं आते हैं। तो आखिर धर्म के निकट कौन है, धार्मिक कौन है, वो शराब पी करके सच बोलने वाला व्यक्ति कि गंगा जल पी करके झूठ बोलने वाला आदमी। धार्मिकता की पहचान क्या है, चोटी रख करके या जनेऊ पहन करके झूठ बोलने वाला व्यक्ति या शराब पी करके सच बोलने वाला व्यक्ति धार्मिक है, आज धार्मिकता का पहचान क्या है। आज भी ये तरह तरह के अंधविश्वास की बातों को लेकर के हम दावा करते हैं कि ऐसा करने से हो जाता है। आज भी इस देश के बच्चों में वैज्ञानिक बुद्धि आ नहीं पाई, कारण क्या है, क्योंकि आज कॉलेज से निकल करके एक बैल को लिया हुआ पंडित जो अनपढ़ है, एक बैल को लेकर के सड़क के किनारे बैठा हुआ है, विज्ञान के पढ़ने वाला भी बच्चा विद्यालय से निकल करके उनको हाथ दिखा रहा है, तोता से अपने भविष्य जानना चाहता है। ये देश का विकास कैसा होगा जब तक
इस देश में वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आएगी, लोगों के अंदर विचार करने की क्षमता का विकास नहीं होगा, तब तक ये जान लेना कि ये देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि करहु विचार जो दुख सब दुख जाई। जीवन में धर्म और अध्यात्म और व्यवहार के बारे में हर बात को विचार करेंगे तो निश्चित जानिए हमारे घर का विकास होगा, समाज का विकास होगा और साथ साथ ये देश का विकास होगा। मैंने जो कुछ कहा सदगुरु कबीर के विचारों के आसपास, जिस बात को लेकर सदगुरु कबीर ने बड़ा सूत्रपात किया, उन्होंने कहा संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। इसी के पास आसपास मैंने कुछ विचार करने का निवेदन करने का प्रयास किया। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरुदेव की। अंधविश्वास, गलत मान्यताएं, कैसे धीरे धीरे पनपता है और समूह के समूह उसमें फिर जुड़ने लग जाते हैं। जो श्रद्धा का मार्ग था वो धंधा का मार्ग बन जाता है। हम बहुत ही सुंदर ढंग से श्री ईश्वर साहिब जी के विचार सुने। हमारे बीच में विराजमान हैं इलाहाबाद गुरुदेव जी के साथ में आए हुए श्री करमचंद साहब जी, आप भी आएं और आप भी 10 मिनट में अपनी बातें रखें। श्री करमचंद साहब जी, सभा इतनी सुंदर है, बिल्कुल आवाज नहीं, बहुत सुंदर, और ऐसे ही बने रहना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आप लोगों के समक्ष कुछ देर विचार प्रस्तुत है। गुरुवर कबीर की बात ऐसी है कि अंदर में आग लगा देती है। अगर आदमी सो रहा हो तो उठ के बैठ जाता है, बैठा हो तो खड़ा हो जाता है, और जो पहले से खड़ा हो वो आपका गला पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा संतों बोले ते जग मारे। संत लोग जब बोलते हैं तब संसार के लोग उनसे द्वेष करते हैं। क्यों? अभी साहेब जी से हमने सुना, ईश्वर साहेब जी से, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है और इसको पचाने के लिए क्या थोड़ा कटु शब्द है। गीदड़ नहीं चलेंगे, शेर चाहिए। जिनको जिनको बुरा लगा हो, जिनको जिनको दर्द होती हो, इन बातों से पीड़ा होती हो, उनको सत्य नहीं पचता है, वो गीदड़ के समान है। कबीर को समझने के लिए, कबीर की बात को पचाने के लिए, आत्मसात करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए शेर दिल बनना होगा। जो शेर है वही यहां बैठे हैं,
उन्हीं को कबीर समझ में आते हैं, बाकी तो घंटी बजा रहे होंगे अभी भी। उनकी भीड़ ज्यादा है, वे सब कुछ जानते हैं, दुनिया में कहां क्या हो रहा है। आप उनके दरबार में पहुंचिए, पहले से बता देंगे। आपकी पत्नी से नहीं बनती, आपकी बहू से नहीं बनती, आपका पड़ोसी आपसे नफरत करता है, मैं पहले से लिख के रखा हूं, देखिए दिखाएंगे आपको, मैं सब कुछ जानता हूं। उनको यह भी पता है कि देश में कहां कितने आतंकवादी छुपे हैं, कल कितने लोग मरेंगे, परसों कितने लोग मरेंगे, कल कहां बम दगेगा। लेकिन वो सरकार को इसकी सूचना नहीं देते, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, वो ईमानदार हैं। कैसे ईमानदार हो सकते हैं? उनको पता है कि कल बम दगेगा और इतने लोग मारा जाएंगे, उनको पता है यहां आतंकवादी छुपे हैं, भेष बदल के यहां घुस गए हैं, बॉर्डर पर अंदर आने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो नहीं बताते हैं, वो ईमानदार है। देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन? अगर कोई जान रहा है आपके अंदर, आपको अगर पता लग जाए कि ये कुत्ता कटहा है, इधर से जाओगे तो काट लेता है, आप सावधान करो भैया, उधर से मत जाना। ये आप बता के लोगों को आप परोपकार कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों को पीड़ित होने से बचा रहे हैं। लेकिन एक आदमी है वो नहीं बता रहा है, वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? लेकिन आज उनकी भीड़ आप ज्यादा है, देख लीजिए, चाहे यूट्यूब पर देखिए, चाहे टीवी खोल के देखिए, हर तरफ उन्हीं का बोलबाला है। हम मूर्ख हैं कि वो मूर्ख हैं? हम तो मूर्ख हैं ही हैं, भूले हैं ही, और वो महामूर्ख हैं। गुरु के लायक भी नहीं, उनको सत्य पता है कि हम कुछ नहीं जानते, हमारा ये गणित है, हमारा यह खेल है, एक विद्या है, एक पढ़ाई है, जिसका उपयोग करके हम आपके मन के विचारों को पढ़ते हैं। लेकिन हमारे सामने क्या प्रस्तुत करते हैं? ये हमारी शक्ति है, हमारे गुरु से मिली है। ये सब विचार जो यहां से कहे जा रहे हैं, उन लोगों कितने कड़वे लगते होंगे, कितना बुरा लगता होगा कि ये छोटा सा समाज हम पर अंगुली उठाए। हमारे पास करोड़ों लोग रोज आते हैं, इतना दान देते हैं, बड़े बड़े कलेक्टर, इंजीनियर, वकील, स्वाभाविक है संतों बोले ते जग मारे। जब संत लोग मुंह खोलेंगे, जब सत्य बोला जाएगा तो पीड़ा होगी, लेकिन जिसको जिसको पीड़ा हो रही है वो गीदड़ से भी गए गुजरे हैं, ये बात याद रखें। समाज में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। आज जमाना कहां 2G से चालू हुआ था, नोकिया मोबाइल से, आज 5G पर पहुंच गया, कोई 4G मोबाइल नहीं लेता जल्दी से। भले अभी 5G यहां नहीं आया, लेकिन सब 5G के लिए सोचते हैं। लेकिन बुद्धि कहां वाली है हमारे पास? जब बाबा मंच पर बैठ के कहते हैं हम सर्वज्ञ हैं, तो हम ताली पीटते हैं। हमारी बुद्धि है 5G की? हमको ये समझ नहीं आता तू सर्वज्ञ है तो क्यों नहीं किस चोरों की, बदमाशों की, आतंकियों की खबर दे सकता? तू तो सबसे बड़ा गद्दार निकला, अगर जान के भी नहीं बचाता है तो बताता है तो। और अपने को गुरु महामंडलेश्वर और बहुत बड़ा पुजारी कहते हैं। बंधुओं, जरूरत है कि कबीर के विचारों को अपनाएं और जीवन में स्थान दें। जो एक बार कबीर को समझ लिया वो जिंदगी भर कबीर को छोड़ नहीं सकता। छोड़ने की एक ही शर्त है, वो तभी छोड़ेगा जब उसका दिमाग खिसक जाए। जो जो छोड़ा होगा, देखिए ऐसा नहीं छोड़ते हैं, बहुत लोग हैं जिनका दिमाग खिसक जाता है,
आज 100% काम कर रहा है, पीछे वो 20% पर आ जाते हैं, फिर वो घंटी बजाना शुरू कर देते हैं, कहीं मंदिर में माथा टेकना शुरू कर देते हैं। गुरुवर कबीर को पा करके, गुरुवर कबीर के विचारों में जी करके आदमी बहुत अपने आप को फौलादी समझता है। डर, भय, चिंता, चमत्कार, अंधविश्वास, जादू टोना, जंतर मंतर, दिशाशूल, भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास, कितने चीज, कितने बातें उसके जीवन से दफा हो जाती हैं। लोग कहते हैं धर्म खतरे में है, अयोध्या चलो जल्दी, जितने हिंदू सब इकट्ठा हो जाएं, धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में कभी पड़ ही नहीं सकता है। अगर कोई चीज खतरे में है तो वह अधर्म है। अगर कहीं भी ये शब्द लिखा जाता है या कहा जाता है कि धर्म खतरे में है, तो धर्म नहीं, अधर्म खतरे में है। अधर्म, अन्याय हो रहा था वहां और वो टूट रहा है। धर्म कैसे खतरे में पड़े? धर्म का कौन क्या बिगाड़ सकता है? दया, क्षमा, शील, संतोष, इनका कौन क्या बिगाड़ लेगा? हमेशा अधर्म खतरे में पड़ता है। बहुत आजकल बोलबाला होता है धर्म खतरे में। कोई कभी किसी के लिए कुछ बोल दिया, कोई टीचर या कोई नेता कभी कुछ पूजा करते समय या कहीं कुछ चप्पल पहन के चले गए या कुछ कपड़ा दूसरे कलर का पहन के डांस कर दिए, नाच दिए, उतने में धर्म खतरे में हो जाता है। धर्म खतरे में नहीं होता है बंधु, अधर्म खतरे में होता है। और ये बात, ये बुद्धि, ये विचार हमको कबीर की छाया के नीचे समझ में आएगी। बाकी तो सब भेड़िया धसान की तरह भागे जा रहे हैं। तो बंधुओं, हमें समझना होगा इस बात को, अपने आप को गीदड़ से शेर बनाना। यहां भी बहुत से गीदड़ बैठे होंगे जो अभी भी सोच रहे हैं कबीर सही कि हमारे घर की मूर्ति सही। अभी भी उनके यहाँ घंटी बजती है, उनका भी माथा झुकता है। ठीक है, झुकना चाहिए, तब तक झुकना चाहिए जब तक कबीर समझ में ना आए। कुछ तो करिए, आप कर रहे हैं, अच्छा है। सत्य को आप तब तक, जब तब तक आप उसको करिए जब तक आप सत्य को समझ नहीं जाते। लेकिन जरूरत है सत्य को समझने की। जिस दिन आप सत्य को समझ लेंगे, उस दिन आपकी घंटी आपके घर से चुपके से निकल के घूर में चली जाएगी, पिछवाड़े में फेंक देंगे आप, और अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। ये जितने भी धार्मिक पोंगा पंथी वाले लोग हैं, भटकाने वाले लोग हैं, आपको अपने पैर पर कभी नहीं खड़ा होने देते, हमेशा किसी के सहारे रखते हैं। तो बंधुओं, हम सबको जरूरत है कि हम कबीर के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और स्थान दें, तभी भ्रम पाखंड मुक्त जीवन और समाज का निर्माण कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हमसे पहले साहेब ही बोल दिए। कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं है, आते हैं सुनर जिन्हें दुनिया का डर नहीं है। ईश्वर का डर ना हो, देवी देवता का डर ना हो, मान्यताओं का डर ना हो, सामाजिक बुराइयों का डर ना हो, जो गलत मान्यताएं हैं उस पर भी डट करके जो सामने आ सके। यहाँ तक कि गुरुदेव कबीर साहब ने तो जिनके पास रहा बढ़ा सीखा गुरु रामानंद जी के पास, उनको ही कह दिए। आप मूर्ति को पूजते हैं, मैं चेतन को पूजता हूँ। कबीर पंथ में जीवता के पुजारी होते हैं, जीवता जिंदा का। बहुत कुछ हमने श्री करमचंद साहब के विचार में सुने। अब मैं चाहता हूँ कि एक भजन हो जाए, और भजन के लिए साध्वी सुमन जी से निवेदन करता हूँ, जो मूरा कबीर आश्रम की संचालिका है, वहाँ की साध्वी प्रमुखा है, आप सब जानते हैं। निवेदन है कि एक भजन रखें, वहीं रहें, लाता हूँ मैं।
प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, निर्छिर विवेकी सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आइए आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। ये तन है माटी का पुतला काया नी जानी रे, ये तन है माटी का पुतला काया नी जानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, मोह माया में फसार प्राणी रूप गजब मन भाया रे, मोह माया में फसार प्राणी रूप गजब मन भाया रे, जीवन ठगनी इस माया ने कैसा नाश नचाया रे, जीवन ठगनी इस माया ने कैसा नाच नचाया रे, ढल जाएगी तेरी जवानी सबकी यही कहानी रे, ढल जाएगी तेरी जवानी सबकी यही कहानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, ये तन है माटी का पुतला काया नी जानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, चका चांद में अटका मानो बात समझ ना आए रे, चका चांद में अटका मानो बात समझ ना आए रे, जो आया है जग में एक दिन सब कुछ छोड़ के जाए रे, जो आया है जग में एक दिन सब कुछ छोड़ के जाए रे, गुरु भजन तो भजले बंदे बात क्यों ना माने रे, गुरु भजन तो भजले बंदे बात क्यों ना माने रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, ये तन है माटी का पुतला काया नी जानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, साधु संत की संगत कर ले यही संग तेरे जाए रे, साधु संत की संगत कर ले यही संग तेरे जाए रे, समय अमोलक बीता जाता कौन तुम्हें समझाए रे, समय अमोलक बीता जाता कौन तुम्हें समझाए रे, अंत समय ये काम न आए धन दौलत अदुगानी रे, अंत समय ये काम न आए धन दौलत अदुगानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, ये तन है माटी का पुतला काया नी जानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे, कभी पानी में नाव चले हैं कभी नाव में पानी रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर आपका भजन हुआ, साध्वी सुमन साहब हमारे बीच में विराजमान हैं, सत्संग की कड़ी को आगे ले जाते हैं।
गुरुदेव जी के साथ आए हुए श्रद्धे संत श्री गुरुवेंद्र साहिब जी, आपसे निवेदन है कि आप भी अपने विचारों को 10 मिनट में रखने की कृपा करें। श्री गुरुवेंद्र साहिब जी, जय लो। अभी भजन सुनात रही से साधी सुमन, अभी तक ले काला सुनत रहे हो तुमन हैं, जय की आवाज नहीं निकल रही है। बोलिए सतगुरु देव की जय। धन्यवाद। पूज्यपाद गुरुदेव जी, मंचा सिंह पूजनीय गुरुजन, साध्वी समाज, सत्संग सरिता में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, जैसा कि सबको विदित है कि यह कार्यक्रम श्रद्धे श्री शोभाचरण साहब जी की श्रद्धांजलि एवं सत्संग समारोह, कल श्रद्धांजलि हुई, आज कुछ विचार, मुझे भी कुछ कहने को कहा गया है, आदेश मिला है, तो मैं कुछ इधर की बात कहूँगा, कुछ उधर की बात कहूँगा, लेकिन इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं कहूँगा। मतलब पहले इधर की बात शुरू करता हूँ, जैसे कि जो कड़ी चल रही है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। बस इन्हीं पंक्तियों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि टाइम फिक्स है और उसी फिक्स में सब मिक्स है, सबको बोलना है। टाइम इज मनी एंड टाइम इज गॉड। समय सबसे बड़ा धन है और समय सबसे बड़ा भगवान है, तो 10 में बस करना होगा। तो सद्गुरु कहते हैं, कहां है कबीर कासों को सकलो जग अंधा। इस पंक्ति को जब मैं याद करता हूं या कहता हूं तो मुझे उदाहरण याद आ जाता है। महात्मा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, सफ़र के दौरान शायद सद्गुरु कबीर की साखी का वो उच्चारण कर रहे थे। साथ में बैठा हुआ एक अपडेट व्यक्ति ने जब सुना तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, क्या दुनिया में केवल कबीर की ही आंखें थी, बाकी सब लोग अंधे थे? कबीर साहब ने उनका जो रूप देखा, उनका जो तैश देखा, तुम्हें लगा कि डायरेक्ट जवाब देना तो ही गड़बड़ है, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकल और कभी कभी थ्योरी में भी जवाब देना पड़ता है। तो सद्गुरु कबीर ने सोचा, जी थ्योरी में भी बताऊं तो बात समझ में नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल जब होगा तो बात समझ में आएगी। अब संयोग ये, जैसे उसने कहा केवल दुनिया में कबीर साहब की एक आंखें थी और सब अंधे थे, उसके जस्ट बाद उसने क्या किया, जेब से सिगरेट निकाले और पीने लगा। कबीर साहब ने देखा मौका बड़ा अच्छा है, उसने कहा, भाई साहब जरा रुकिए रुकिए, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं ज़्यादा, ये आपके सिगरेट के डिब्बे पर अंग्रेजी में क्या लिखा है, क्योंकि मैं अंग्रेजी जानता नहीं, जरा इस नीचे जो लाइन लिखी हुई है बहुत छोटे अक्षर में, वो क्या लिखा हुआ है, जरा मुझे हिंदी में बताइएगा। तो उसने कहा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, हानिकर है? हानिकर है। उसने कहा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। मैंने कहा, भाई साहब आप लगते बड़े पढ़े लिखे हो, कितना ग्रेजुएशन है आपका? मैंने कहा, उसने कहा, मैंने डबल एमबीए किया है, डबल अंग्रेजी में भी किया है।
कहा अंधेओं की आंख वाले हो तुम, अंधेओं की आंख वाले, तुम्हें पता है ना सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है और तुम सिगरेट पिए जा रहे हो। कबीर साहब ने तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही कहा है अंधा। ये बात केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। हम सब भी जानते हैं कि वह चीज, वह काम, वह बात जो नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वो हम करते चले जाते हैं। क्या अंधापन नहीं है? दुनिया में सभी आते हैं जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, काहे को दुखी होते हो, काहे को घबराते हो दुखी होने से, काहे को दुखी होते हो, काहे को घबराते हो दुखी होने से, अरे जिंदगी में जीवन तुमने लिया है तो रोने से। तुम्हारा तुम्हारी पैदाइश कैसे हुई? रोने से हुई ना, काहे घबराते हो? तो अंधापन, देखा जो नहीं देखिया दृष्ट कहावे सो, ये कबीर साहब ने कहा है। हम सब जानते हैं जो पैदा होता है वो जाता है, आना है तो जाना है, किसका चला यहाँ बहाना है, किसका बहाना चलेगा कि जो हम आए हम नहीं जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी हस्ती की खस्ती हो गई, सब चलेगा। तो शोभा साहब जी आए, ये उन्हीं की तो शोभा है, ये चाहे प्रत्यक्ष कहें या परोक्ष कहें उन्हीं की शोभा है। लेकिन हम देखते हुए भी जानते हुए भी अमल में नहीं लाते। श्री कृष्ण ने कहा है, तूने गुलशन को अपना बिगाड़ा है, तूने गुलशन को अपना बिगाड़ा है, तूने खुद अपने तकदीर को बिगाड़ा है, तेरे ही कर्मों का फल है ये जो आज तुझे कब्र में लेके गाड़ा है। किसी दूसरे का नहीं है, तुम्हारा ही है। इसलिए हमें अपने आप पर ध्यान देना है। जानते हो महेश मुंडे के साथ साथ मगल लोड पड़ते हैं ना, मगल लोड, मगल लोड को दो फाट में कर दो, मगर प्लस लोड, सब कुछ करो मगर लोड मत लो, सब कुछ करो मगर लोड मत लो। बहुत सारी डिग्रियां होती हैं स्कूल में विश्वविद्यालय में, लेकिन एक डिग्री संत लोग और बताते हैं, जानते हो कौन सी डिग्री है? LML, LML की डिग्री। इसके लिए किसी विद्यालय में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, एक पाई नहीं लगेगा खर्च करने में। L लोड, M मत, L लो, लोड मत लो, लोड मत लो। सुख से जीवन जीने का, आनंदमय जीवन जीने का यही एक फार्मूला है। लेकिन संतन बताते हैं, बात समझ में नहीं आती। इतने कितने बड़े, बहुत बूढ़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। बच्चे और बूढ़े में सिर्फ एक अंतर होता है, बच्चे और बूढ़े में सिर्फ एक अंतर है, जानते हैं क्या? बच्चे झगड़ लेते हैं, रो लेते हैं, मार लेते हैं, पीट लेते हैं, लेकिन आपस में कोई गांठ नहीं बांधते। यानी बच्चे गांठ बांधना नहीं जानते और बूढ़े गांठ खोलना नहीं जानते, यही बीमारी है। बच्चे इसलिए कहा ना, ईसा मसीह से किसी ने पूछा कि स्वर्ग में कौन जा सकता है, तो धूल दूसरी एक बच्चे को उसने गोद में उठाकर सीने से लगा कर कहा, स्वर्ग में जाने का कोई अधिकारी तो ये है, क्योंकि उसका मन, उसका हृदय निर्मल होता, पवित्र होता, पाक होता, साफ होता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है, गांठ पड़ना शुरू हो जाता है। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर कासों को सकलो जंग अंधा, ये अंधापन है। किसी संत ने कहा है कि हमारे, हम सब के शरीर में जो तत्व लगे हैं वो सब एक है, फेर पराने तत्व में नहीं इंद्रियन की माँ ही, फेर परा कछु बूझ में सो निर्वारे नाय। तात्विक दृष्टि से हमारे शरीरों में जितने पार्ट्स हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, और इंद्रियों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? समझ में, बूझ में।
और ये अंतर जीवन में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। जानते हैं कैसे? एक उदाहरण में बताता हूं, समझ की कैसे अंतर पड़ जाता है। कहा जाता है ऐसे ही महात्माओं की सभा लगी हुई थी, महात्मा का विचार एक भक्त सुन रहे थे। उनकी एक माँ थी, ये गुजरात की कहानी है, सॉरी राजस्थान की कहानी। तो भगत ने सत्संग के बाद कहा, गुरुजी हमारी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, सत्संग में आ नहीं सकती, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी माँ को चलकर दर्शन दे दें। महात्मा ने कहा भाई ठीक है चलो। अब महात्मा राजस्थान का नहीं था, वो यूपी का या एमपी छत्तीसगढ़ का समझ लो। गए, भक्त ने कहा माँ गुरुजी आए हैं दर्शन कर लो। अब माँ क्या कहती है, क्योंकि वहां लैंग्वेज डिफरेंस हो गया ना, समझ का अंतर ही बता रहा हूं मैं, समझ में कैसे अंतर हो जाता है। अब माँ क्या कहती है, गुरुजी थारे खूछू। यहां हम लोग गोरु किसको बोलते हैं, जानवर को बोलते हैं ना, खुर किसको बोलते हैं, जानवर के पैर को। तो माँ क्या कह रही है, गुरु जी थारे खूछू। अब महात्मा तो छत्तीसगढ़ का मान लो, छत्तीसगढ़ में गोरु किसको, गाय को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। महात्मा ने कहा इस बुढ़िया को क्या हो गई, हमको कहते हो गोरु जी, क्या हम गोरु हैं, खूर छू तुम्हारे खूर पैर। वो धीरे से जा करके उस माँ के कान में क्या कहते हैं कि माता जी ऐसे नहीं कहा जाता है, ऐसा कहोगे ना सीधे नरक में जाओगी, नरक में। अब माता जी को इनकी बात समझ में ना आए, वो सोच रही है कि महाराज जी जब कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हो, नहीं कोई स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दे रहे हो। अब वो माता क्या कहती, जब गुरु जी ने कहा माता जी ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहोगे नरक में जाओगी, नरक में। तब वो क्या कहती है कि गुरु जी हमार कहाँ धन बाग जो हम नरक में जाएं, वो आप जैसे महापुरुष काम है जो नरक में जाएंगे। यही समझ का अंतर है। इसलिए ध्यान दें, समझे इस चीज को। तो मैं कह रहा था सदगुरु कहते हैं कि कहें कबीर कासों को सकलो जगंधा, साचा से भागा फिरे झूठो का झूठे का बंदा। क्योंकि जिंदगी सबको मिली है वक्त बदलने के लिए मेरे, लेकिन याद रखना वक्त दोबारा नहीं मिलेगा जिंदगी बदलने के लिए। ये श्री शोभा चंद्र साहब जी की ये शोभा, उनके शब्द, उनके बारे में एक शब्द बोलूँगा। कि मैंने शुरू में कहा था मैं कभी कुछ इधर की बात कहूँगा, कुछ उधर की बात कहूँगा, लेकिन इधर उधर की बात नहीं करूँगा। तो मैंने ये सोचा, कल श्रद्धे श्री गुरुचंद साहब जी कह रहे थे कि हम चार लंगोटिया यार थे और चारों यार में बड़े प्यार थे, उसमें से तीन तो आत्मा के प्यारे हो गए और हम रह गए किनारे किनारे हो गए। किनारे किसी को नहीं हो, सब उसके आत्मा को प्यारे होना है। लेकिन श्रद्धे श्री शोभा चंद्र साहब जी की जो सरलता थी सचमुच में, देखिए निंदा तो जिंदा की होती है, निंदा तो जिंदा की होती है। कल मैंने देखा यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे जो बोल रहे थे, उसमें से कितने ऐसे हैं जो वक्ता थे उनकी बारे में आलोचना करने वाले थे। इनकी झलक हमारे साथी श्री कर्तव्य साहब जिसे किशन जी हैं, उन्होंने कुछ कहा था। तो जिंदा निंदा तो जिंदा की होती है, मरने के बाद सबकी स्तुति होती है, लेकिन गलतियां किसमें नहीं होती, भूल किसमें नहीं होती, हमें उनकी अच्छाइयां लेनी है। तो श्रद्धे श्री शोभा चंद्र साहब जी जो बहुत सरल बहुत कोमल, मैं कहना चाहूँगा सरल कोमल मृदुवाणी जिनकी, साधना को जिसने किया वरण, जीवन भर जो रहे गुरु की शरण, ऐसे थे साहेब श्री शोभा शरण, ऐसे थे साहेब श्री शोभा शरण। मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम श्री गुरुवेंद्र साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आपने बताया अंधा कौन होता है,
सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। कबीर साहब ने उसका परिभाषा भी दे दी है, जो सत्य को तो छोड़ देता है वहां से भगना चाहता है, और झूठे आदमी का बंदा बनता। बंदा मतलब होता है भगत, गुलाम। झूठे का साथ देना और सत्य को छोड़ना, ये अंधे आदमी का लक्षण है। श्री परीक्षा साहिब जी पधार रहे हैं और एक बार जोर से जय बोलेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय, साहेब बंदगी साहेब। अगले प्रवक्ता के लिए ऐसे बहुत से जितने बैठे हैं साध्वी लोग हैं, संत लोग हैं। हम तो समय से चालू कर दिए थे, किंतु जिनको जिस समय देना चाहिए था उस समय आते नहीं हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़े धर्म संकट हो जाता है। इसलिए कईयों को माइक नहीं मिलता है, चाहे साध्वी लोग हों चाहे संत लोग हों। हमसे थोड़ा क्षमा करेंगे। हमारे बीच में अब विराजमान हैं पूजनीय संत श्री गुरछेम साहब जी। आपसे निवेदन है कि आप भी 10 मिनट में अपनी बातें रखेंगे, फिर और पूज्य संत लोग आ चुके हैं, उनके विचार सुनेंगे। मंच पर विराजमान श्रद्धे संत श्री परीक्षा साहेब जी, श्रद्धे संत श्री गुरुभूषण साहेब जी, श्रद्धे संत श्री विचार साहेब जी, संत श्री कृपाशरण साहेब जी एवं अन्य सभी संतजन, विभिन्न आश्रमों से पधारी हुई साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धामती देवियों, किसी ने कहा है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार ऐसी सभा बुलाई गई थी जिसमें प्रवक्ता तो बहुत ज़्यादा थे, किंतु मूर्धन्य विद्वान कहें या जिनका नाम सब लोग जानते थे, ऐसे मुख्य रूप से तीन लोग थे। आप यहाँ के पर्चा देखे होंगे ना, तो यहाँ भी तीन ही महापुरुष के नाम छपे हैं। मैं कोई उसको दूसरे ढंग से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तीन विचारकों के विचार वहाँ पर चल रहे थे जहाँ पर की बात चल रही है। उस सभा में सभी लोग अपने अपने विचार दिए, वो तीनों अपने विचार दिए। अंत में जब सभा समाप्त हुई तो लोगों ने एक दूसरे का परिचय पूछना प्रारंभ चालू किया कि आप कहाँ से आए हैं, आपको हम फिर बुलाएं तो कैसे मिलेंगे, आप पता दे दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, ईमेल नंबर दे दीजिए। एक उसमें से जो थे उसका नाम था दौलत। दौलत कहती है कि मेरा परिचय तो बड़ा सरल है,
मुझे फिर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे यदि ढूंढना है तो सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में या सरकार के बैंक खजानों में आप मुझे ढूंढ लीजिए, मुझे आप लोग पा जाएंगे। यही मेरा परिचय है। दूसरे प्रवक्ता वहां पर जिनका नाम विद्या, विद्या ने से पूछा गया, विद्या कहती है कि मेरा परिचय तो विद्वानों की गोष्ठी में या साहित्य में, मैं वहाँ पर मिलूँगी और मेरा यही परिचय है। जब मुझे बुलाना चाहें, जब मुझे सुनना चाहें तो मैं वहीं पर मिल जाऊँगी। तीसरा का नाम इज्जत। तीसरे से कहा गया कि आप भी अपना परिचय दें। इज्जत चुपचाप कुछ भी नहीं बोलती है। इतने में और लोगों ने जोर दिया कि आप भी तो अपने परिचय दीजिए, आप भी बहुत अच्छे बोलते हैं, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, आप अपना परिचय दें। इज्जत बहुत मुश्किल से कहा, अफसोस है, मैं एक बार चली जाती हूँ ना तो फिर कभी भी नहीं मिलती। इज्जत कहती है कि मैं एक बार चली गई तो फिर मैं कभी नहीं मिलती। सज्जनों, मैंने कहा ना कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। किसी ने कहा है, द वेल्थ लॉस इज नथिंग लॉस, द हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, द करेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। आपने धन खोया तो कुछ भी नहीं खोया। अपने इधर छत्तीसगढ़ कहते हैं ना, धन तो हाथ का मैल है, वो फिर मिल जाएंगे। लेकिन एक बार इज्जत चली गई तो फिर से मिलने वाली नहीं है। स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया। स्वास्थ्य खो देने के बाद आप चाहें कि मैं सत्संग में जाऊं, वहां पर बैठूं, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो आप जा नहीं पाएंगे। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, साधना कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया। लेखक कहता है, और यदि चरित्र खो दिया, करेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस, आपने यदि चरित्र खो दिया तो आपके पास बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचा। जिसका चरित्र खो जाता है उसके पास कुछ भी नहीं बचता। लाखों फूल कम है गला को सजाने में, एक फूल काफी है जीवन भर रुलाने में। आदमी बहुत गलती नहीं करता है, कुछ ही गलती कर बैठता है और वही गलती उनके जीवन को डुबा देता है। वही गलती के कारण उसका जीवन ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी उसको उसी निगाह से देखते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक जिए। सद्गुरु कबीर ने कहा है, फाम आगे फाम पाछे, फाम दाहिने डेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेर। आगे पीछे दाएं बाएं बाएं हर तरफ सावधानी की आवश्यकता है। हम जानते हैं रावण के पास आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं थी। सोने की लंका कही जाती है। तथा कथित उच्च जाति में पैदा हुए, ये भी कहा जाता है। उनके लिए ये भी कहा जाता है, उनके परिवार में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती भी कहा जाता है, और विद्वान भी कहा जाता है। शक्ति भी उनके पास थी,
दशरथ भी उनके सामने कांपते थे। इस प्रकार रावण के पास कोई बाहरी संसाधन या विद्वता की दृष्टि से तथा कथित जाति की दृष्टि से कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक गलती के कारण आज भी पता नहीं रावण कब हुए क्या हुए, कोई खास इतिहास नहीं है, फिर भी आज एक गलती के कारण उनका हर साल पुतला जलाया जाता है। सज्जनों, हम लोग भी अपने करैक्टर को, अपने चरित्र को उज्जवल बनाएं। यही मंच है, यहाँ पर इतने संत जन बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों में से बोलते बोलते कहीं कुछ हो गई बात तो 4 साल बाद 6 साल बाद भी आएंगे ना, तो अंगुली दिखाएंगे कि यही साधु उस दिन पता नहीं कैसे कैसे बोल रहे थे। तो गलती यदि हो जाती है उसको लोग याद कर लेते हैं, अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि अपने जीवन में जो अच्छाई है उसे रखें, जीवन में जो चरित्र है उसकी पूजा होती है। हम सब अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करें। जो आदमी अच्छे होते हैं ना, उसको हर कोई चाहते हैं। अंगुलीमाल, अंगुलीमाल ने अपने जीवन को बदल दिया था, फिर भी आज उसी रूप में अंगुलीमाल को देखा जाता है। तो हम इतना सावधान रहें। साहब कहते हैं चाहे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से सावधान रहें और अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखें, कहीं कुछ गंदगी ना आने पाए, हमारे जीवन में कोई दाग ना आने पाए। चलने में, बोलने में, देखने में, सुनने में किसी प्रकार के भी हमारे जीवन में दाग ना आने पाए। यही मनुष्य की मनुष्यता है। हर आदमी के पास धन है, पद है, गाड़ी है, घोड़ा है, जमीन है, दुकान है, सब कुछ होते हुए भी आदमी का चरित्र अच्छा नहीं है तो उसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए मनुष्य के पास जो चरित्र है उसकी पूजा होती है। और हम सबको चाहिए कि अपने चरित्र को बनाए रखें। साथ में मैं अपनी बात समाप्त करने के पूर्व मात्र 2 मिनट आपसे एक्स्ट्रा समय ले रहा हूँ, 2 मिनट की। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हर कोई जानते, बच्चा बच्चा भी मोदी को जानते हैं, पूरा नाम जाने या न जाने लेकिन बच्चा बच्चा भी जानता है मोदी को। उनकी माँ हीरा बहन आज इस दुनिया में नहीं रही, इसके लिए हम सबको हार्दिक खेद है। उन्होंने ऐसे एक सुपुत्र को जन्म देकर इस देश का एक भाग्यशाली प्रधानमंत्री दिए, उन सब के लिए, उनके लिए हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। थोड़ा जयोर से जय बोले, एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूँ, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। धन्यवाद श्री साहेब जी के विचार श्रवण किए। एक वक्ता और, फिर पूज्य संतों को हम देंगे। इलाहाबाद कबीर संस्थान के अध्यक्ष श्री कृपा शरण साहेब जी से भी निवेदन है कि आप भी 10 मिनट में अपनी बातें रखेंगे। समय इसलिए कहना पड़ रहा है, एक मजबूरियां है, तो 10 मिनट में बातें रखेंगे, फिर और संतों के विचार श्रवण करेंगे। हेलो, सुनते सुनते आलस चंडाल भी घेर लेता है। आइए इस पंडाल से आलस चंडाल को
आप राजिम में भेज दें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु लाल साहेब की, सतगुरु राम सूरज साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल में मंगल करना मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत शकल करम जनित अघ पीर। बोलिए सदगुरु देव की जय। मंचासेन मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, इस वसुंधरा में पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब से किसी जिज्ञासु ने पूछा होगा, गुरुदेव जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा? वो तो आश्व कवि थे ही, जगत प्रसिद्ध है। उन्होंने तुरंत साखी बना के वो कह देते हैं, संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा है राम, कहें कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। जीव को तीन ही जगह विश्राम मिलेगा। आज आदमी के पास सारी संपन्नता है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता, बाहर संपन्नता भीतर विपन्नता, बाहर सोना सोना भीतर सुना सुना, बाहर चकाचक भीतर खाली खाली। हम अशांत होते हैं जिंदगी के साथ, हम अशांत होते हैं जिंदगी के साथ, और शांति खोजते हैं भगवान के पास। हम अशांत होते हैं परिवार के साथ, हम अशांत होते हैं परिवार के साथ, और शांति खोजते हैं मंदिर के पास। हम अशांत होते हैं मन से, हम अशांत होते हैं मन से, और शांति खोजते हैं मक्का पे। हम अशांत होते हैं घर पे, और शांति खोजते हैं वन पे। आज आदमी के पास संपन्नता तो है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। तरुण सागर जी महाराज इस संदर्भ में कहा करते थे, आज आदमी के पास टीवी सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, मोबाइल सेट है, कंप्यूटर सेट है, सिर्फ माइंड अपसेट है, तो कहाँ से विश्राम मिलेगा? धन से, पद से, वैभव से बाहर समृद्धि मिलेगी, आंतरिक समृद्धि नहीं मिलेगी। आंतरिक समृद्धि के लिए धर्म का पथ अपनाना होगा, शांति का रास्ता में चलना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा? संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा है राम, कहें कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। सगा से सब परिचित हैं। कबीर साहब कहते हैं अगर सगा यदि हैं तो बता रहे हैं वो संत सगा है और गुरु सगा है, अंत में राम सगा है। वो बाहर की सगा वो नहीं बता रहे हैं। हमें ऐसा सगा चाहिए जो कभी हमें दगा ना दे। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा है, जिसको हम सगा कहते हैं वही तो दगा देता है, जिसको हम संतान कहते हैं वही हमें संताप देती है, जिसको हम संतान कहते हैं वही संताप देती है, जिनको हम लड़का कहते हैं वही लड़ता है, जिसको हम बेटा कहते हैं वही बांटता है, जिसको हम सगा कहते हैं वही आए दिन दगा देता है। भीष्म पिता को मारने वाला कौन? जिसकी गोदी में पढ़ने वाले, उनकी गोदी में पढ़ने वाले कौन? धनुर्धर अर्जुन ने तो मारा, अपना मानता था,
लेकिन दगा कैसे दिया सबको पता है। जो असली सगा है वो है गुरु और संत और राम, ये तीन सगा है। मैं निकट सगा बताना चाहूँगा। सबसे निकट सगा कौन है? हमारा मन। हमें मन कैसे दगा देता है सबको पता है। अपना बनाया मन और आए दिन हमें ही ये मन दगता है। दूसरा सगा है ये अपना शरीर, अपना बॉडी। ये शरीर भी हमें दगा देता है, ये भी हमें धोखा देता है। जब लकवा मार देता है, फालिज मार देता है और दांत जब हिलने लगता है तब कैसे लगता है? सबसे निकट अपना शरीर और अपने हमें कितना धोखा और कितना हमें दुख देता है। और आगे हम और बढ़ते हैं। हमारा सगा कौन? जिसको हम अपना परिवार कहते हैं वो भी बीच में मिले हैं, एक दिन बीच में छोड़ देंगे। परिवार भी अपना सगा है लेकिन अंत तक वो सगा साथ देने वाला नहीं है। परिवार भी छूट जाएगा, परिवार के लोग सब चलेंगे माशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। कहाँ तक निभाएगा बेटा? अग्निदान तक। इसके तो आगे रम ही है साथी, इसके आगे और कोई साथी जाने वाला नहीं है। तो अंत में सब यहीं के यहीं छूट जाने वाले हैं। तीसरा सगा कौन सच्चे हैं? संत और गुरु हैं, जो हमें कभी दगा देने वाले नहीं हैं। संत और गुरु एक ऐसे सगा है जो हमें आदि से अंत तक पहुंचाने वाले हैं। संत और गुरु, संत गुरु आधार और न रक्षक कोई किते, सबको पता है। और अंत में राम सगा है, वो राम सबके दिल में बैठा है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। जब तक निर्मल मन नहीं होगा तब तक उस राम से हमारी मुलाकात नहीं होगी। इसलिए स्वामी शंकराचार्य ने कहा प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम। प्रसन्न चित्त में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। विशुद्ध बुद्धे परमार्थ वेदनम, विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आज हम परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कहाँ कहाँ हम भटक रहे हैं। मंदिर में हम बहुत गए पर मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन से सुंदर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए लेकिन हमारा मन मंदिर नहीं बना, तो व्यर्थ ही शिवालय में जाना है। इसलिए मन को मंदिर बनाना है। पवित्र हृदय में ही आत्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होगा। राम, खुदा, गाड, ईश्वर, परमात्मा, ये सब विशेषण शब्द है और सब जीव के ही पर्यायवाची है। सद्गुरु अभिलाष साहब ने कहा है ब्रह्म सुख निर्वाण और राम रहीम सारे सत्य के पर्याय है निज रूप निहारे। ब्रह्म का ब्रह्म कहा जाता है, गाड कहा जाता है, खुदा कहा जाता है, जितने परमार्थिक जो शब्द है ये शब्द केवल जीव के पर्यायवाची है। और इसी को हमने राम कहा, कबीर साहब ने राम कहा। कबीर साहब ने 125 बार राम शब्द कह करके याद किया है। वो आत्मा ही परमात्मा है और उसका परमात्मा सगुण परमात्मा ये प्राणी जगत है, अंततः अपनी अंतरात्मा ही परमात्मा है। घर हमारा मंदिर है और घर में रहने वाले प्रत्येक स्वरूप में देवी देवता है, परमात्मा का स्वरूप है। देखो समाज परमात्मा का स्वरूप है, तो बाहर परमात्मा प्राणी जगत और अंततः अपनी अंतरात्मा ही असली परमात्मा है। मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। सूफी मत में फकीरों ने ये कहा कि प्रत्यक्ष रूप में प्राणी ही ईश्वर है। मखलूक प्राणी और मजहरे प्रत्यक्ष है, खालिक ईश्वर, अर्थात प्रत्यक्ष प्राणी ही ईश्वर है और ईश्वर और प्राणी इंसानों में सर्वोच्च है। कहता खुदा खुद जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा
पीर उसे कहते हैं जिनको शक है खुदा की तलाश करे दुनिया में। हम तो इंसान को दुनिया के खुदा मानते हैं। राम रहीम जितने भी जो शब्द कहे जाते हैं वो अंतरात्मा के लिए है। अपनी आत्मा में लौटना ही विश्राम है और कहीं विश्राम नहीं है। कबीर साहब कहते हैं गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहें कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। यही पर अपनी वाणी को विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम श्री साहिब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। अन्य संत जो जिसको अभी समय नहीं दे पाया, कल आखिरी दिन है, कल का समय भी है 10 बजे सुबह से, याद रखिएगा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगा। भोजन प्रसाद, संतों के स्वागत, आरती पूजा होगी, फिर समाप्ति होगी। इसलिए और संतों से मैं क्षमा चाहता हूँ। और हमारे बीच में अब विराजमान है परम पूजनीय श्री गुरुभूषण साहब जी, आप भी अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री गुरुभूषण साहब माइक लगाओ। हेलो, मेरे लिए कुछ ज़्यादा उदार हैं, कुछ ज़्यादा ही समय मिला है। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक नमन। काफ़ी देर से पूज्य संत जनों के विचार सुन रहे थे और काम की सारी बातें बताई जा रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ कहूँ। प्रारंभ से अब तक जितने संत उपदेष्टा हुए और जितने शास्त्र हुए, रचे गए, वे सब किसके लिए रचे गए, किसको संदेश देते हैं, किसको उपदेश देते हैं? हम मनुष्यों को। पशु पक्षियों के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है, पेड़ पौधों का तो प्रश्न ही नहीं है, मनुष्यों को। इसका मतलब है मनुष्य वैसा नहीं जी पा रहा है जैसा जीना चाहिए। पशु पक्षी के जीवन को देखो, कोई व्यतिक्रम नहीं है। प्रकृति में यदि अव्यवस्था देखें तो कहाँ है, मनुष्यों में है। और पूरी सृष्टि में सुंदर व्यवस्था है। दिन और रात का होना, मौसम का परिवर्तन एक सिस्टम से है ना, कोई उसमें त्रुटि है नहीं है। पशु पक्षियों को देखो कैसा जीवन है, सरल, अपनी प्रकृति के अनुरूप खान पान, व्यवहार, प्रजनन, सब कुछ। लेकिन मनुष्य वह नहीं कर रहा है जो करके जीवन लाभ लेना चाहिए। यद्यपि एक अंतर जरूर है कि मनुष्य में बहुत बड़ी संभावना है, वह संभावना अन्य प्राणियों में नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ शुरू होता है, बहुत बड़ी संभावना, वह संभावना जो अन्यों में नहीं है,
लेकिन उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। सत्संग इसी बात के लिए, सदग्रंथ इसी बात के लिए कि आपके अंदर जो संभावना है उसे वास्तविकता में बदलो, मतलब जो आप हो सकते हो, जो आप बन सकते हो, जो आप महसूस कर सकते हो वह करो। और इस पृथ्वी पे कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने ऐसा किया, और वह क्या है? परम शांति का अनुभव, दुख मुक्तता का अनुभव, या कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में सफल होना है या हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुए हैं वह अपने संभावनाओं को वास्तविकता में बदला है। बीज होता है ना, छोटा सा बीज, इतना बड़ा होता है छोटा सा बीज, लेकिन उसमें विशाल वृक्ष होने की संभावना होती है। एक विचारक ने लिखा, एक सेब, एप्पल, एक सेब में कितने बीज होते हैं एक अनाड़ी आदमी भी उसे गिन के बता सकता है, लेकिन एक बीज में कितने फल हैं, कितने सेव हैं, ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि एक बीज को बो दें, बड़ा सा वृक्ष हो जाएगा, और उसमें कितने फल लगेंगे, और उन फलों में कितने बीज होंगे, और उन बीजों को बो देने पर फिर कितने पेड़ हो जाएंगे, और फिर कितने फल होंगे, कौन बता पाएगा? कोई नहीं। ये संभावना किसमें है? उसी एक छोटे से बीज में छिपा हुआ है। लेकिन यदि उस बीज को कोई एक डिबिया में बंद करके रख दे कि चलो हम देखते हैं इसमें कितनी संभावना है, और 12 साल तक रखे और डिबिया खोल के देखे, तो क्या होगा? वो ख़त्म हो जाएगी, वो संभावना वहीं पर समाप्त हो जाएगी। कई बार मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों के बीच में, शक्ति का सदुपयोग, शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है, खराब हो जाती है। गुरुदेव जी से न जाने कितनी बार सुने होंगे ये पंक्ति, प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग अभिशाप है। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास जो संसाधन है उसी का तो उपयोग करना है, बाहर से कुछ लाना भी नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसे बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है अपने जीवन निर्माण के लिए, सुख शांति के अनुभव के लिए, आनंद के अनुभव के लिए। क्या करना है? जो हमारे पास है उसी का सही उपयोग करना है। मैंने कहा ना, शक्ति, उसका सही उपयोग कर लें, शक्ति को सही दिशा दे दें। हम सबके पास में इतनी शक्ति है, जैसे कहते हैं अणु बम, कितना शक्ति है, कितने लोगों को वो बम मार सकता है। मनुष्य के पास में बहुत शक्ति है, बस उसका उपयोग करना सीखें। उस शक्ति का उपयोग करने का माध्यम क्या है? देखो दोनों हैं, शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो अभिशाप, अभी मैंने कहा ना, शक्ति का जब दुरुपयोग करते हैं तो अभिशाप, और शक्ति का जब हम सदुपयोग करते हैं वो हमारे लिए वरदान। और वरदान को अभिशाप बनने में देर नहीं लगती है, वरदान को अभिशाप बनने में देर नहीं लगती है। हम अपनी गलती से वरदान को भी अभिशाप बना लेते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, सुने होंगे आप लोग, गोल्डन टच, राजा मिडास की कहानी यूनान की, कि एक बार सुबह सुबह एक संत उनके घर आए, और राजा तो राजा का मतलब धनी, वैसे भी धन बहुत था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि संत से, कि संत आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दें कि बस मेरे पास और बहुत हो जाए। कहा बहुत तो है, उसने कहा नहीं,
ऐसा हो जाए कि मैं जो छूं वो सोना हो जाए। कहे देखो ऐसा मत कहो, अरे भगवान आप आशीर्वाद दे तो सही, जो छूं वो सोना हो जाए। कहा ठीक है। सुबह सूर्य की पहली किरण जब धरती पर आएगी ना, उसी समय से ये वरदान शुरू हो जाएगा। क्या ठीक है। अब प्रतीक्षा में था, सुबह सूर्य की किरण आई और बस वो प्रयोग करना चाहा कि सचमुच वो वरदान मिला कि नहीं, जो छूं वो सोना हो जाए, ये वरदान मिला था उसको। क्या किया, दरवाजे के बाहर जो दो पेड़ थे बड़े बड़े, उसको छुआ, जरा देखता हूँ क्या है, और सचमुच वो सोने के पेड़ हो गए। अरे कमाल है ये तो। फिर मन में हुआ कि लेकिन इसमें फल तो नहीं आएंगे, अब सोने के पेड़ हैं। फिर क्या हुआ, जब घर के अंदर आया तो उसी समय उसकी छोटी बिटिया दौड़ते हुए उससे मिलने आ रही थी, उसे गोद में उठाया, उसकी बिटिया सोने की हो गई, अब पुतली हो गई, एक प्रकार से पुतला कहते हैं ना, वैसे ही सोने की, अब न बोले न डोले कुछ नहीं। अब तो बड़ा गड़बड़ हुआ, बहुत भूख लगी थी उसे, भोजन के लिए बैठा तो जो भोजन आया तो रोटी का तोड़ा तो रोटी सोने की, अब कैसे खाए, पानी सोने की, न खा पा रहा है न पी पा रहा है, बेटी भी सोने की हो गई, घर मकान सोने खो गए, बहुत घबराया वो तो, ये तो गड़बड़ है, फिर तो जीना ही कठिन इसमें। दौड़े दौड़े गया, संत कुछ दूर चले गए थे सुबह के समय, पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हो रहे हैं, बोलिए सद्गुरु देव की जय। जिनको उठने में कठिनाई हो तो बैठे रहें, बैठे रहो माता जी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, बीच में जगह खाली होगी तो आगे बढ़ साहेब बंदगी साहेब, बैठे बैठ जाइए, आगे बढ़ते हुए बैठे। अच्छा अभी तक क्यों नहीं बैठ रही है माताएं, मैं जान गया, पैर की झुनझुनी मिटा रही होंगी है ना, बहुत देर से बैठे रही। अच्छा बैठो बैठो, अभी तो बहुत देर और बैठना है, जगह पर्याप्त बना लो अपने लिए, बैठ जाओ। वो कहानी जो प्रसिद्ध कहानी है, अब तो बातें पूरी भी हो गई कहानी से, आप समझ गए होंगे कि उसमें संदेश क्या है। संत से जो वरदान मिला था वह वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। हम सबको भी कुदरत की ओर से वरदान मिला है, ये ध्यान दीजिए, ये वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है, जो अन्यों में नहीं है, मानवेतर प्राणी में जो पशु पक्षी कृमि कीट आदि हैं उसमें वो, उसे वरदान नहीं मिला है। हमें एक वरदान की बात आई तो मैं बताऊं एक चीज को, जो मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है वो क्या है, वो क्या है, मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है वह है मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। ध्यान दो, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता, अर्थात आप जब चाहें अपने रास्ते को बदल सकते हैं। और कोई भी रास्ता दो दिशाओं की ओर जाता है, देखो सामने सड़क है, एक पूरब एक पश्चिम दिशा है, चुनाव कौन करेगा, आप। मान लो लगा कि आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं और गलत दिशा है, तो क्या वहां से लौट नहीं सकते हैं, वहां से मुड़ नहीं सकते हैं। अच्छा कब मुड़ना चाहिए, जब समझ में आ जाए, कभी भी मुड़ सकते हैं। और जैसे मुड़े तो दिशा सही, गुरुदेव जी कहा करते थे, जो एक तथ्य ही है जिसको बताया करते थे, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। क्या होता है, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। उल्टा जा रहे थे, समझ बात आई, उलट गए, अब सीधा हो गए। यदि हमारे जीवन की दिशा गलत है और कहीं हमें समझ में बात आ गई तो उलट गए, अब वो सीधा है, एक बात। दूसरी बात तो यह, पहली बात तो यह है कि हमें तो यह भी नहीं पता कि दिशा सही है कि गलत है। यदि मैं एक प्रश्न पूछूं, आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं या सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, कैसे जानते हैं,
हमने तो कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया ना, जानना क्या है, सच है ना। हमने तो कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया है कि मैं जीवन जी रहा हूँ वो सही दिशा की ओर जा रहा हूँ या सही दिशा की ओर नहीं जा रहा हूँ, कैसे जानते हैं। अच्छा आप कहेंगे मैं तो सही दिशा की ओर जा रहा हूँ, अच्छा मैं कहता हूँ आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, अच्छा प्रमाणित करिए आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या है उसका, क्या ढंग क्या है प्रमाणित करने का। देखिए लक्ष्य के निर्धारण के बिना दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता। मतलब यह है कि आप पहले तय कर लीजिए कि पहुंचना कहाँ है, फिर उसके बाद शुरुआत करिए। अर्थात चलने के पहले जान लो कि पहुंचना कहाँ है। सदगुरु कबीर की पंक्ति है, नाव न जाने गांव का भूला मारक जाए, काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कर आए। नाव न जान, एक बिल्कुल देहाती शब्द है ना, देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। नाव, हम लोग तो नाम कहते हैं, साहब कहते हैं नाव, बिल्कुल यहाँ की बात है ना, नाव का नाव है कहते हैं ना, साहब क्या कर रहे हैं, नाव न जाने गांव का। गुरुदेव जी ने लिखा कि एक आदमी जा रहा हो और उससे पूछो भैया क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हो, ठिठक कर क्या कहता है, नहीं पता कि मुझे नाम भी नहीं पता है और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं पता, क्या कहेंगे, कुछ अटपटा सा लगेगा ना। हम सबको भी यही बात है, क्यों, ये प्रश्न फिर से याद करिए गुरुदेव जी वाला प्रश्न, क्यों कमाते हो, बहुत पुराना है ना, और प्रवचन गुरुदेव जी के सुने होंगे उनको तो पता ही है, और नहीं तो YouTube में सारे प्रवचन गुरुदेव जी के हैं, सुन लेना, ये प्रश्न सुनने में आएगा। क्यों कमाते हो, खाने के लिए, क्यों खाते हो, जीने के लिए, क्यों जीते हो, क्यों जीते हो, फिर से खाने के लिए, है ना, साइकिल चाहिए ना, एक चक्र चाहिए तभी तो पूरा होगा, फिर खाने के लिए, फिर कमाने के लिए, इसका कोई अंत है। एक आदमी ने कहा मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, मतलब मरना उद्देश्य है क्या, जो मौत अपने आप आती है वो हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो हमें अपने आप मिले वो हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है, जिससे हम अचीव करें, मेहनत करें और मिले वो हमारा है, अपना है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस चीज को समझें, लक्ष्य का निर्धारण। और गुरुदेव जी के ये भी संदेश क्या, कि मनुष्य को अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना है, लक्ष्य तो कुदरती रूप से निर्धारित है, उसे पहचानना है, बस पहचानना है। पहचानना कैसे है, बस समझ लो अपने आप के, आपकी आंतरिक मांग क्या है, हम सबकी मांग क्या है, चाहे जितना ऐश्वर्य हो जाए सब कुछ, जो भौतिक रूप से हम चाहते मान लो वो उपलब्ध हो गया, एक बड़ा सा मकान, बड़ी सी गाड़ी, कपड़े कीमती हो जाएं, पहनने ओढ़ने के सारे कपड़े अच्छे हो जाएं, खाने की चीज़ें अच्छी हो जाएं, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाएं और बैंक बैलेंस भी पर्याप्त हो, उसके बाद आप क्या चाहेंगे, क्या कहेंगे, फिर इसके बाद तो सुख शांति का जीवन जीऊंगा, ये तो चाहते हैं, सुख शांति का जीवन जीऊंगा। बंधुओं, जो प्रारंभ में आदमी चाहता है ना, वो तो बहुत कुछ प्राप्त भी कर लेता है, लेकिन अंतिम वाला बहुत कम लोग पाते हैं, बहुत कम लोग, सुख शांति का जीवन। वो जीवन, वो क्या, आप जो भी जीवन की गतिविधि है, क्या सुख शांति को पाने के लिए है, क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं, अर्थात आपके विचार सुख शांति को पाने के लिए सोचता है, आपके शब्द सुख शांति के अनुभव करने के लिए वार्ता करता है, आपकी क्रिया, आपका एक्शन, आपकी गति क्या सुख शांति के लिए है। आप देखेंगे, आप एक दिन ऑब्जर्व करेंगे, एक दिन निरीक्षण करेंगे तो हैरान हो जाएंगे, बहुत सारा समय विपरीत है। आप अपने चिंतन पर ध्यान देना शुरू करेंगे, अर्थात विचारों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आँखें खुल जाएंगी। अच्छा, हम लोग इसलिए अपने आप को कुशल मंगल मानते कि ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं, जैसे कोई आदमी बेहोशी में जिए, चाहे जो हो, पहले क्लोरोफार्म सुंघा देते ना बेहोशी में, या जिस आजकल तो जिस अंग को होता है एनेस्थेसिया कहते ना उसको, उसको शून्य कर दिया गया, फिर चीरो फाड़ो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जब चेतना होती है उस समय, जागृत होते हैं, सब पता चलने लगता है,
सब तकलीफ आने लगती है, लेकिन यदि हम बेहोशी में जीवन जीने लगे तो सब दुख भी दुख नहीं लगता है, अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे महसूस ही नहीं है। उनके ये भी नहीं पता है कि इस दुख से बाहर आया भी जा सकता है। जैसे आजकल की क्या दशा है, जो तनाव है ना, ऐसा लगता है जैसे कि सामान्य है, नॉर्मल है। पहले यही तनाव, जो टेंशन शब्द पहले कोई कहता आज से 50-60 साल पहले तो अद्भुत सा लगता, लेकिन आजकल सब लोग करते ना टेंशन, इसमें कौन बड़ी बात है। तो देखिए कितना एब नॉर्मल, जो एब नॉर्मल हो चुका है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि सब लोग यही कर रहे हैं। अच्छा दवाई तो खाना बड़ा सरल है ना, बीपी की दवाई खाना कौन बड़ी बात है, सब तो खाते हैं, शुगर की दवाई खाते ही है ना, उसमें कौन बड़ी बात है। मतलब जो अच्छा नहीं है उसको भी अच्छा मानने लग जाते हैं हम लोग। इसी प्रकार से अब सामान्य रूप से हम ये नहीं जानते हैं कि जो हम दुखी क्यों भोगे भाई, दुख से पार भी तो जा सकते हैं। संघर्ष भरा जीवन क्यों जिए, संघर्ष से पार से भी जा सकते हैं। बीमारी वाला जीवन क्यों जिए, बीमारी से ऊपर भी तो हो सकते हैं। ये जब लक्ष्य बनाएंगे तो आप काम भी शुरू करेंगे। फिर ये महसूस हो, ये कर सकता हूँ, ये जानकारी हो कि यह मैं कर सकता हूँ, तो क्या करेंगे, तब उसके लिए पहल भी करेंगे। कई बार कहा, एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना मैं असंभव मानूं, तो मैं उस चोटी पर जाने वाले रास्ते को पूछूंगा भी नहीं। मैं उस चोटी पर नहीं चढ़ सकता तो रास्ते ही क्यों पूछूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं मैं उस चोटी पर जा सकता हूं, तो अगला कदम क्या होगा, मैं जा सकता हूं। ऐसा कहा, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं किसी से पूछूं भैया वो रास्ता कौन सा है, रास्ता बताने वाले मिल भी जाएंगे, और हो भी सकता है कि आपको हमरा ही मिल जाए, कहा चलो मैं चलता हूं साथ साथ, ऐसे भी हो सकते हैं, और फिर आपके साथ में वो आप साथ साथ निकल सकेंगे। लेकिन जब आप पहले ही मानेंगे कि हम सब गृहस्थों में तो दुख होना ही है ना, कौन बड़ी बात है, क्यों होना है, अशांत होना ही है, कौन बड़ी बात है, ये नहीं, ये मान करके चलें ये हुआ है, लेकिन इससे भी पार, क्योंकि मैं इसलिए कहा बीच में अभी, कोई तो पार हुआ है ना, ऐसा इस पृथ्वी में कभी किसी ने वो स्थिति पाई है तो हम भी पा सकते हैं, यदि किसी ने अनुभव किया तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो संभावना और जो परिस्थिति उनके लिए थी वो आज हमारे लिए भी है। यदि आप देखें, देखो प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती है कि बुद्ध के लिए पक्षपात उसने प्रकृति ने की है, कुदरत ने की है, कबीर के लिए, महावीर के लिए, या जो भी संत हुए हैं, या व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग सफल हुए हैं। कल ही मैं सुन रहा था, एक बहुत ही अच्छे सूरत के डायमंड के व्यापारी हैं ढोलकिया जी, अब कितनी अच्छी बात बता रहे थे वो और अपने भाई के, कितने कितने मैं छठवीं कक्षा पढ़ा बस, और सातवीं तक पढ़ा लेकिन छठवीं तक ही परीक्षा दिलाया, और आज कितने करोड़, कहे 6,000 तो उनके कर्मचारी हैं, लेकिन एक विशेषता उसने बताई, मेरे 6,000 और मेरे भतीजे के 6,000 या चाचा इसे कुछ कहे कि सौजी भाई के, उनके भी 6,000 कर्मचारी हैं लगभग, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है, जितने कर्मचारी हैं व्यसन मुक्त हैं, व्यसन मुक्त है, ये बड़ी बात कही उन्होंने। कहा या तो व्यसन करो, या तो व्यसन छोड़ो, या फिर कंपनी छोड़ो, यही उनका सिद्धांत है। कल ही मैं सुन रहा था शाम के टाइम में, एक अच्छे वक्त, बहुत ही अच्छा वक्तव्य दे रहे थे वो, और वो सुधा मूर्ति, नारायण सुधा मूर्ति के बारे में बता रहे थे। एक बैठी थी सभा में, तो कितनी साड़ी पहनी थी बताओ, कितनी साड़ी पहनी रही होगी वो सुधा मूर्ति, समझ रहे हैं ना। उन्होंने कहा जितनी तो मेरी संपत्ति की पूरी मूल्यांकन करूं, उतना तो रोज चैरिटी कर सकती है, इतना तो दान कर सकती, इतनी संपत्ति उनके पास है, जिनके पास 2,00,000, कितने कर्मचारी पता है, 2,00,000 कर्मचारी हैं, और साड़ी कितने पहनी थी, 300 रुपये की, विश्वास होता है, 300 रुपये की। फिर उसके पोता ने पूछा, परिवार में आए थे, कि आपकी गाड़ी कौन सी है आपकी, उसने कहा सेंट्रो, सेंट्रो है, तो उसने कहा कि सेंट्रो मुझे वापस नहीं पहुंचाएगा क्या, गाड़ी तो वही है। मैं एक उदाहरण दिया, कल ही रात में सुन रहा था तो मुझे ख्याल आया बात, ये तो मेरा प्रसंग नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक बात और अच्छी कही, जो लोग धन से सुख मिलेगा ये मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये उन्हीं का वाक्य है, उन्हीं का वाक्य है। तो बात यहाँ पर थी कि हम ये क्यों मान करके बैठे हैं कि मैं अपने दुखों से छुटकारा पा नहीं सकता हूँ, मैं आपस पारिवारिक संघर्ष से छुटकारा पा नहीं सकता हूँ, मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पा नहीं सकता हूँ,
मेरा मन शांत हो सकता है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं शांत मन वाला भी हो सकता हूँ, प्रेम पूर्ण संबंध भी बना सकता हूँ, पर्याप्त धन भी कमा सकता हूँ और सुंदर स्वास्थ्य भी अचीव कर सकता हूँ। जब ये लक्ष्य बनाएंगे तो आपका मन उसके बारे में सोचेगा। मैंने कहा ना, उसका सही उपयोग शुरू कर देंगे। जैसे उपयोग करेंगे, अर्थात आपका मन किसके लिए सोचे? शांत मन वाला हो, प्रेम पूर्ण संबंध हो, ये सोचना शुरू कर दे, फिर आपके जो शब्द उसी प्रकार निकलने लग जाए, आपके व्यवहार भी उसी प्रकार होने लग जाए, तो क्या होगा? ये है शक्ति का सही उपयोग। और वही शक्ति, वही मन, वही वाणी, वही यदि इंद्रियां हैं, कर्म हैं, यदि वो गलत जाए तो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और वही सही दिशा में चल दे तो हमारे जीवन का उत्थान हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। दिशा का अंतर, इसलिए कहते हैं मार्गांतरीकरण। जो गलत दिशा में हमारा जीवन जा रहा है उसे हम मोड़ दें और सही दिशा की ओर ले चलें, हम सभी सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, जीवन बनाने की कला संतों से ही हम श्रवण करते हैं जो जीवन बना चुके हैं। बहुत ही व्यवहारिक, जीवन में उपयोगी हम श्रवण किए। हमारे बीच में आप विराजमान हैं अयोध्या के हमारे श्री परीक्षा साहिब जी, आपसे निवेदन है कि आप भी अपने अमूल्य विचारों से लाभ देने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, जोर से कहो ना भाई, बोले सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की, सदगुरु श्री अबलास साहेब की, संत श्री शोभा सरन साहेब की। लब्ध प्रतिष्ठ परम सम्मान्य संत श्री साहेब जी, जिनके बहुत ही सारगर्भित विचार श्रवण कर रहे थे, कबीर आश्रम सूरत से पधारे हुए सम्मान्य संत श्री गुरुभूषण साहेब, वरिष्ठ गुरु भाई मेरी बाईं तरफ जो बैठे हुए संत श्री गुरुजतन साहेब, विभिन्न आश्रमों से आए हुए मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, साध्य समाज, ग्रामवासियों, दूर दूर से आई हुई प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का दूसरे दिन का सत्र चढ़ रहा है। गुरुवर कबीर की वाणी बीजक का पाठ हुआ, पश्चात संतों के द्वारा भजन और प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे थे। कुछ देर के लिए मैं भी आपके समक्ष निवेदन प्रस्तुत किए जा रहा हूं। भारतवर्ष की इस पावन धरती में चार ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया है। वे महापुरुष महर्षि कपिल, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध और गुरुवर कबीर। इन महापुरुषों ने किसी परंपरा की परवाह नहीं की, किसी विशिष्ट महापुरुष को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना और न ही किसी पोथी के आधार पर अपना उद्धार माना है। इन महापुरुषों में जिनकी मैं विशेष याद करता हूँ, जिनके चरणों में बार बार सिर झुकता है, वे हैं गुरुवर कबीर। गुरुवर कबीर की प्रशंसा में
सदगुरु कबीर की प्रशंसा में, कबीर पंथ के जाने माने महापुरुष, कबीर पारा संस्थान इलाहाबाद के संस्थापक पुज्जर गुरुदेव श्री रविदास साहब जी की कविता है, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार फिर से ध्यान दें। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम लहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी, सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थी बात चोखी, तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे, धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है, तुम तराशे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहलू दूत दिखे, व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला, निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दायभागी, सांप्रदायिक द्वंद जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे, उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जितने दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे, ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे, कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया, जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली, जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। बोले सदगुरुदेव की, जोर से कहो ना भाई, और बोले सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, माँ बहनों की, साहेब बंदगी। आइए कुछ देर विचारों की तरफ। हमारा जीवन में बड़ा दुर्लभ जीवन है, पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ किस खाने से भ्रमण करते हुए इस मानव शरीर की भूमिका में आए हुए। हम और आप एक सामान्य जीवन से परिचित हैं। हम और आप यहाँ जितने बैठे हुए, इन संतों की बात छोड़ो, एक सामान्य जीवन से परिचित हैं, इस भौतिक जीवन से परिचित हैं, जिससे परिचित होना चाहिए अभी तक हो ही नहीं पाए। जिससे परिचित होना चाहिए नहीं हो पाए, वो क्या चीज़ है? वो है आपकी आत्मा। अभी श्री कृपण सरन साहेब जी ने उसकी व्याख्या दी थी, कबीर संस्थान इलाहाबाद के अध्यक्ष महोदय सम्मान्य संत श्री कृपा सरन साहेब जी ने व्याख्या दी थी, ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे, कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। भौतिक शरीर तो चूंकि जन्म हुआ है छूटेगा ही, इस नियम से कोई अलग नहीं हो पाया है। न कभी जिसका जन्म होता हो,
न कभी मृत्यु होती हो, वो कौन सी चीज है? वही आपकी आत्मा है। अनंत काल से उसकी यात्रा चल रही है और अनंत काल तक उनकी यात्रा चलती रहेगी। कब तक? जब तक संस्कारों से जड़ा हुआ है तब तक। एक जगह मैं इसी पर विचार दे रहा था कि भौतिक शरीर और जीव का संगम काल जीवन कहलाता है। जिन तत्वों से शरीर निर्मित है वह पांच तत्व, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। और जिस शक्ति से माध्यम में बोल रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सारे जो काम कर रहा हूं, वो आपके चेतन, ये भौतिक तत्वों से ऊपर ही चीज है। तो जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है वो तो हाड़ चाम मलमूत्र पिटारे शरीर ही है। जीव कहां से आ गया? जीव किससे बना हुआ है? कभी आपने सोचा इस विषय पर? सोचिए। कारण कार्य की कटुट व्यवस्था है। मेरे दोस्तों, मित्रों, इस बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। कारण कार्य की कटुट व्यवस्था है। कारण कहते हैं समूह को, कार्य कहते हैं समूह से बने हुए पदार्थ को। ये सब जो दिखाई दे रहा है कार्य रूप में परिणित है। कार्य जो है कारण में विलीन हो जाता है। आग का समूह सूर्य है, जल का समूह नदी, सागर, तालाब है, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हुए हो, हवा, एटमॉस्फेयर, वातावरण में हवा है। इतने में एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो सामने बैठा था वो खड़ा हो गया। मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा तो खड़ा हो गया, हुजूर स्वामी जी, आपने जड़ तत्वों का समूह तो बताया, जीव का समूह तो नहीं बताया आपने कि जीव कहां से आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ध्यान दीजिए ठीक से। जड़ तत्वों का समूह तो आपने बताया, जीव का समूह तो नहीं बताया। जीव का भी कोई समूह बता दीजिए कि जीव कहां से आया। तो मेरे बिना कुछ कहे एक दूसरे सज्जन ने कह दिया, अरे वाह यार, तुम ब्रह्मवाद लाना चाहते हो कि ब्रह्म से जीव पैदा हो गया, यहां ईश्वरवाद लाना चाहते हो, जीव ईश्वर से जीव पैदा हो गया, सब बेकार की बात। जीव कारण कार्य की कटुट व्यवस्था से परे है। आपने सुना होगा कई बार व्याख्याताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा, ईश्वर अंश पूरा कर दो, कभी कभी क्यों डबे हुए पूर रहा हो, ईश्वर अंश जीव नाशी, बेकार की बात। अगर ईश्वर अखंड है, अगर अखंड है तो जीव कहां से पैदा हो गया? वहां से ईश्वर अंश जीव नाशी। अब जीव को हम अखंड मानते हैं, अखंड है ही, और ईश्वर भी अखंड है, तो अखंड से जीव कैसा पैदा हो गया? कभी आपने सोचा इस विषय पर? कारण कार्य की अटूट व्यवस्था से परे वो सबके घट घट में, घट घट में वो जीव, घट घट में जीव क्यों भ्रमण कर रहा है? संसार की विभिन्न खानियों में जीव क्यों भ्रमण कर रहा है? कुछ देख लूं, कुछ सुन लूं, कुछ चख लूं, कुछ भोग लूं, कुछ कर लूं। ये जो आकांक्षाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जीव जब तक कामनाओं में फंसा है तभी तक वह विवस्ताओं में ग्रसा है, और कामनाएं छूट सब जाती जब ही है, जीव ही असी हो जाता तभी। वो जीव घट घट में न कि कण कण में। ऐसे इसी विषय पर भी बोल रहा था, क्योंकि समय समय से कुछ विचार नए ढंग से आते रहते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि जीव घट घट में है, फिर व्यक्ति में नहीं, महाराज मैं तो कण कण में मानता हूं, बताओ हाल। अब वो कहता मैं तो कणकण में मानता हूं, जीव कणकण में, घट घट में नहीं। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं भाई, व्यवहारिक स्थिति से आपका चिंतन गलत है। आप मानिए कि जीव घट घट में है। कबीर साहब
कबीर को लोग जो अनपढ़ कहते हैं, बड़ा दुख भी हो जाता हूँ मैं तो। और आपने कई विद्वानों की पुस्तकें आपने पढ़ी, कबीर तो अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सतुकीर्ण थी, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। गुरुवर कबीर किस पंक्ति पर दृष्टि डालिए, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ कहो तो को पति आई, जहां जहां देखो तहां तहां सोई, पूरा करो ना बीजक पाठी लोग कोई, एक के जन बतावा थे बोलो सदगुरुदेव की, समझिए आप। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ कहो तो को पति आई, जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले, कण कण बोले नहीं कराना। जाको ध्यान धरत विधि हरि हर मुनि जन सटासी, सोते रे सब तो जाना, तो कौन सी नई बातें बताऊं मैं, बोलो सदगुरुदेव की, बिचारी इन बातों। अब मैं उनको समझा रहा हूं ये बात, सी घट घट में है जीव, और नहीं मान रहा जिद्दी आदमी, अब क्या करें, नहीं माने तेल का मना बते हैं। फिर बताने का मैंने प्रयास किया कि मान लीजिए अचानक आपको थूकना पड़ गया, कहाँ थूकोगे आप, जमीन पर थूकोगे जो कणों का समूह है, आपको लक्सुंगा जाना है, पेशाब जाना है, कहाँ जाओगे आप, कि ना जाएंगे तो जमीन पर, जमीन तो कणों का समूह है ना, वहाँ भगवान रह रहे हैं, भगवान रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, परमात्मा रह रहे, कैसे जाओगे वहाँ, आपको डोल मैदान जाना है, लेट्रीन जाना है, कहाँ जाओगे आप। निराश हो गया मेरी बात सुन करके। तो मेरे दोस्तों, सबके घट घट में, वो घट घट में जो बैठा परमात्मा है, वही जीव है, आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, परमात्मा कहीं बाहर मत ढूंढो। जो ढूंढने पर मिलता है वो माया का रूप होता है, जो दर्शन का विषय तो छूट जाता है, और पक्की बात जो मिलेगा वो छूटेगा। आपकी आत्मा आपसे कभी नहीं छूटेगी, ना छूटेगी, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं। मेरा परमात्मा, मेरा मालिक, मेरी चेतना, मेरा जीव, मेरा अस्तित्व मुझसे एक सेकंड के लिए भी अलग ना होगा। संसार का सारा संबंध संयोग वियोग युक्त है, जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लुट जाता, जो खिलता मुरझा जाता है, चुनता सो ढह जाता, शाश्वत नियम प्रकृति का है, परिवर्तन ही रह जाता। प्रकृति के एक नियम है, संयोग का वियोग होगा, मिलन का बिछड़न होगा, लेकिन आपकी आत्मा आपसे कभी भी एक सेकंड के लिए भी नहीं बिछड़ेगा। गृहस्थी जीवन में पत्नी का संबंध कुछ दिनों के लिए होता है, पति पत्नी का संबंध कुछ दिनों के लिए, बच्चों का भी संबंध बीच बीच का कुछ दिनों का होता है, संसार का सारा संबंध कुछ दिनों का, लेकिन आपका संबंध आपसे कभी नहीं बिछड़ सकता है। ये तो है जीव की बात। कुछ ऐसे भी मतपंथवादी जो कहते हैं जीव नाम की कोई चीजें नहीं है, बेकार की बात, ऐसे भी कहने वाले मिलते हैं। मैं किसी मतपंथ का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे मतपंथवादी कहते हैं जीव और आत्मा शब्द से बड़ी घृणा, कि आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं, सब प्रकृति जगत करा रही है। और कुछ ऐसे भी मतपंथ हैं, जीव ही सब कुछ है, प्रकृति जगत नहीं है। कभी आपने सोचा इस विषय पर, है मतपंथवादी अतिरे विरोधी, देखो अतिरे से आना, जितने मतपंथवादी सब अपने अपने ढंग से अपनी डफली बजा रहे हैं। तथ्य क्या है, इस पंक्ति को आपसे बार बार मनन करें, जो मैंने कविता प्रस्तुत की आप समक्ष, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा भी। कर सका कोई नहीं वैसा की हो, आत्मा है, जीव है, परमात्मा है। ईसा के अनुयायियों को ईसा कहते हैं, ईसाई कहते हैं। बुद्ध के अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैनी कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, कई बार सुनते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सब कहने का तरीका एकदम गलत है।
वास्तव में धर्म नहीं है, मत है, मजहब है, संप्रदाय है। तो जो राम कृष्ण बुद्ध महावीर की जो अनुयायी है उनके साधक हैं, ये मत मजहब है। गुरुवर कबीर की पंक्ति बार बार याद आती रहती है, आपको भी मनन करना चाहिए। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। काल कहते मौत को, काल कहते कल्पना को। संसार के सारे प्राणी काल और कल्पना से बच नहीं सकते, घसीटे चले जाते हैं। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को जो प्यारा हो, एक नाम कौन सा नाम भाई? श्री राम को मानने वाले राम का जाप करते हैं, कृष्ण के उपासक लोग कृष्ण की याद करते हैं, ईसाई ईसा की याद करते हैं, बौद्धिस्ट बुद्ध की याद करते हैं, जैनी महावीर स्वामी की याद करते हैं, कबीर पंथ कबीर की याद करते हैं। सब कहते हैं एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को जो प्यारा हो, वो कौन सा राम है? न वो राम कह रहे हैं, गुरुवर कबीर कितने सावधानी से इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। न वो किसी न राम का नाम ले रहे हैं, न कृष्ण का नाम ले रहे हैं, न बुद्ध महावीर, न राधा स्वामी किसी विशिष्ट महापुरुष का नाम नहीं ले रहे हैं। एक नाम कह रहे हैं, एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को जो प्यारा है वो राम, वो नाम हृदय निवासी राम है। साहेब जी ने पुस्तक लिखी है बीजक, कबीर, हाँ कबीर बीजक के रत्न, 170 बार राम शब्द का प्रयोग किया है। बेकार कबीर साहब बदनाम कर, कबीर तो राम मानते ही नहीं थे। भारतीय संस्कृत राम बहुत ही प्यारा शब्द है, राम नहीं मानते थे, उनका चिंतन गलत है। राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेत देख मन माही हो, राम नरम से कौंदन लागा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम मल्ला मुकामा, दिल मा को दिले मा को जो एक रेमा रामा। वो राम आपके घट में बैठा, उसी ने 170 बार राम शब्द का प्रयोग किया है। तो कबीर साहब जो कहते हैं कि कबीर तो अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सधुकड़ी थी, जब ऐसी चर्चा होती है और याद आ जाती तो मुझे तुरंत, मैं पूर्णिया पहुंच जाता हूँ, पूर्णिया आचार्य धर्म साहब जी का प्रोग्राम करके 15 साल हो गए होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है 15-16 साल हो गए होंगे। मैं पूर्णिया का प्रोग्राम करके लौट रहा था, बरौनी से मुझे लखनऊ एक्सप्रेस लेना था मनकापुर स्टेशन उतरने के लिए। मैं था, मेरे साथी साथ में थे, बड़े चंचल वृत्ति के लोग 4-5 लोग आ गए जिस कोच में मैं बैठा था। बड़ी उदंता स्पेस आए मेरे साथ, बाबा कहाँ रहते हो? मैं तो मैं अयोध्या रहता हूँ। इधर कहाँ? मैं पूर्णिया श्री आचार्य साहब जी के प्रोग्राम में गया था, वहाँ से लौट रहा हूँ। किस पंथ के हो? मैं कहा कबीर पंथ का हूँ। अब जो पूछते मैं सारा सामान तो मैं बताता चला जा रहा हूँ। और जैसे ही कबीर का नाम ले, बड़े गुस्सा गए, और कबीर पूरी दुनिया को उन्होंने अंधा कह दिया। अब ये पद उनको याद था, कहें कबीर कासो कहो सकलो जगंदा, सांचे से भागा फिर झूठे का बंदा, मैं काको समझाऊं जगत सारा अंधा। केवल कबीर की ही आंख थी, पूरी दुनिया को उन्होंने अंधा कह दिया। बड़ा हमको डांट के कह रहे थे, केवल कबीर की आंख थी, उन्होंने सारी दुनिया को अंधा कह दिया, कबीर का न्याय थी। तो मैंने कहा कहीं कहीं महापुरुषों को कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता और करना चाहिए, ये मैंने कहा कहीं कहीं महापुरुषों को कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता और करना चाहिए। और गुस्सा आ गया वो। इतने में हुआ क्या, थोड़ी देर बाद तो बैठ तो गए, बीड़ी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद ये भी शुरू हो गया, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, तंबाकू।
और उन्हीं के साथ में किसी ने यह भी शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरा काम तो बन गया। तो मैंने कहा महाशय जी, अगर कबीर साहब ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, कहें कबीर कासो कहो सकलो जगंधा, तो क्या अनुचित किया उन्होंने? हर सिगरेट पैकेट में लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोटे छोटे पुड़िया आजकल आया है कई प्रकार के, उसमें सब में लिखा स्वास्थ्य के लिए, लिखा रहता है ना। अरे हाँ तो कहूँगा, बोलो सर कभी कभी कह दिया करो। इसमें बैठे होंगे कुछ लोग, बीड़ी पीने वाले भी बैठे होंगे, शराब पीने वाले भी बैठे होंगे, गुटखा खाने वाले, मैं कहूँगा नहीं, किसी से घबराइए मत आप, क्योंकि जरूर बैठे होंगे। लेकिन मेरा निवेदन यह है, भले आप पीते खाते रहो, आज से दृढ़ संकल्प ले लो फिर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप संसमा में आए हैं, अपने जीवन को प्रदर्शित करने की दिशा मिले ऐसी जगह आप आए हुए हैं श्री शोभा सुरम साहब जी के माध्यम से। फिर वो आदमी बैठा रहा, बोल नहीं सका वो आदमी। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि हमारे गुरुजनों ने, सभी महापुरुषों ने हमें अपने अपने ढंग से संदेश दिया है, निर्देश दिया है। मैंने पहली बात बतलाई कि जिसकी यात्रा अनंत काल से चल रही है वो है आपकी आत्मा। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यही तमाम होती है। सुबह हो गई, सोकर उठ गए, दैनिक क्रियाकलाप निपट ले, अपने अपने काम धंधे में लग गए, खेती बाड़ी वाले खेती काम में लग गए, किसान लोग, व्यापारी जाकर अपना दुकान खोल लिए, प्रशासनिक कर्मचारी जाकर के अपना शासकीय काम करने लगे कार्यालय में, शाम हो गई घर लौट आए खाए पी फिर सो गए, फिर सुबह काम में लग गए। तो गुरुजनों ने बताया हमें, संतों ने बताया, महापुरुषों ने बताया कि सारा काम तो संसार के हर प्राणी कर रहा है, अगर आप ही अगर उसी में सीमित हो तो आपका भी जीवन है जैसे अन्य प्राणियों का जीवन। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, न पूरे हुए न होंगे, भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है, सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिर गौहर के कंदर में, पर नहीं पता तो पाया हुआ है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है, घर में वन में मंदिर में चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में निप के कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में नफ के तारे उतारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में, जब मन विषयों से बुढ़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों, कुछ समय निकाल करके आप बैठिए सारे कामकाज करने के पश्चात, क्योंकि सारा समय तो शरीर की सेवा में लग जाता है, अंतर्मुख दृष्टि लाइए, कुछ एकांत बैठिए, विवेक दृष्टा और स्थिति के अभ्यास की विवेक कीजिए कि शरीर मेरा है मैं नहीं, शरीर मेरा है मैं नहीं, और संसार का सारा संबंध मेरा तक सीमित है, विवेक करो। जो दिखाई दे तो वो दृश्य जगत है, दृश्य जगत में ही आदमी भटकता चला जाता है, दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता, दृष्टा कभी दृश्य, इसको भी आप नोट कर लीजिए बार बार, दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता है। विवेक कीजिए कि शरीर मेरा है मैं नहीं, तो शरीर और संसार के पदार्थों का आप दृष्टा बन जाइए, और धीरे धीरे दृश्य को छोड़ करके दृष्टा स्वरूप में स्थिर हो जाइए। यही हमने संदेश इन महापुरुषों ने, गुरुजनों ने दिया है, संत महापुरुषों ने। एक कविता गाकर मैं वाणी विराम लेना चाहूँगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। थोड़ा जोर से जय बोलेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। मैं तो सोचे वहां से ऑर्डर मिल गया भैया। बोलो सदगुरुदेव की। ले भाई मैं समझा उधर से बंद करके सारा कर रहे हैं करके। जब धर्म जाति को लेकर
मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तू कहकर यह आर्य काय गलता था। आदर्श आर्य मुनियों की टूटी माला सम बिखरे, पाखंड दम उत्पीड़न हिंसा विलास ते निखरे। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती थी। मैं आस्तिक तू नास्तिक है, मैं दीनदार तू काफर, अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्व था आफर। योगी दरवेश से बड़ा सन्यासी और विरागी, सब थे विवाद में लिपटे, सब थे अहंकार के रागी। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। है वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में, निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में। उनका अपना नहीं कोई, इसलिए सभी अपने थे, माया निर्लिप्त निराले, जागृत में ना सपने थे। ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते, जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर न तो पाताल में ही है। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर न तो पाताल में ही है। ऐ काजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। दिल दया रहम को तज कर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है निर्मल मन वाणी काया, मानव में प्रेम प्रसारण यर जीव मात्र पर दाया। वे प्राण साम के फूके मानव समाज में बलकर, वे प्राण साम के फूके मानव समाज में बलकर, अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर, अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। बोल सतदेव की जय। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी बातों को, साहिब बंदगी। साहिब अभी हम परम पूज्य श्री परीक्षा साहिब जी के सदगुरु कबीर के सिद्धांत, उनके विचार बहुत ही विधिवत श्रवण किए। साहिब जी को सुनने के पहले चाहता हूँ कि एक संगीतमय भजन हो जाए, बहुत छोटा भजन रखेंगे श्री गुरशरण जी। आज 4:30 तक बजे 4:30 समाप्त होगा, आपको समय बता देता हूँ सब कोई। और बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। माया के सुख चार दिन, हजी माया के सुख चार दिन, कहा तू कहे गवार। सपने पायो राज धन,
जात न लागे चेतरे गुमानी जग में चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चली रे माया संग ना चले माया संग ना चले रे माया संग ना चले जन्म ना मिले रे माया संग ना चले रे माया संग ना चले रे माया संग ना चले दस से सोलह गए खेल में बीस गए तेरे मन के मेल में चालीस नारी के फेर में चालीस नारी के फेर में पचपन हाथ मदेरे माया संग ना चले रे माया संग ना चले चेतरे गुमानी जग में हो चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे जाग पड़ा क्यों सोवे सोने से तेरे काम न होवे भर मन की तू कहाँ तक ढोवे भर मन की तू कहाँ तक ढोवे काले नाही करे रे माया संग ना चले चेतरे गुमानी जग में हो चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया भजन करे सो हरि सुख पावे धन दौलत तेरे काम न आवे काया भी तेरे साथ न जावे काया भी तेरे साथ न जावे अग्नि बीच जले रे माया संग ना चली रे माया संग ना
जग में हो चित्रे कुमारी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले रे माया संग ना चले करम भले रे माया संग ना चले रे माया संग ना चले चेतरे कुमारी जग में हो चेतरे कुमारी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले रे माया प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब। धन्यवाद गुरुशरण जी। अब परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन लेंगे, तब तक आप लोग शांति से बैठें, फिर अन्य सूचना आखिरी में देंगे।